वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा आरजेएस और पीजेएपीएस केबीएसके ने एक अलख जगाई है हर रविवार आरजेएस वेबिनार, और उसमें महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग किसी न किसी सकारात्मक विषय पर चर्चा करते हैं और देश भर के लोग जुड़ते हैं, खास करके पॉजिटिव स्पीकर जुड़ते हैं, हमारे अतिथि जुड़ते हैं और हम लोग देश के लिए एक रविवार देते हैं, सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो आज 16 जनवरी रविवार है और 10 बजे से श्रद्धांजलि 11 बजे तक दी जाएगी। उसके बाद 11 बजे आप जानते हैं कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजौन मिश्रा जी, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, एडवाइजर हैं और आजादी की अमृत गाथा में बहुत बड़ा समर्थक हैं, योगदान दे रहे हैं, आज उनके लेक्चर को सुनने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं पूरे देश भर से। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग प्रोफेसर बिजौन मिश्रा जी का स्वागत करते हुए, जो आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी हैं। 11 बजे से आप लोग इनको सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस रखिएगा, काफी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं आज। और अब महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम, जो आजादी की अमृत गाथा है, ये राम जानकी संस्थान तपसिल जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास केंद्र, जिसके सचिव सोमेन कोले हैं और 6.5 साल पहले से ये सकारात्मक भारत आंदोलन चलाया गया था, आज भारत सरकार के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी का सबसे बड़ा श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को आज हम लोग 43वें अंक को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आप स्क्रीन पर पॉजिटिव स्पीकर्स देखें और वो उसके बारे में बोलना चाहें। 10 सेकंड तक वो स्क्रीन पर रहेगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा आपने जो तैयारी की है और यूट्यूब पर जो वीडियो आपकी अपलोड हुई है, यहां पर 2.5 मिनट आप यहां पर स्पीच देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में भी है और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आइए सबसे पहले 17 जनवरी ये बलिदान दिवस, कूका विद्रोह की स्मृति का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि के सत्र को शुरू किया जा रहा है। जो पॉजिटिव स्पीकर जुड़े हुए हैं तो वो बोलना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 सेकंड दिखाना है बस, आगे बढ़ाओ। हाँ, यहां हमारे पास आने में देर लग रहा है।
मैं डॉक्टर पुष्कर बाला आज इस परिवार की ओर से सबों का आज इस सूचना के निमित्त से सबों का स्वागत करती हूं। इतिहास में 21 जनवरी की तारीख बहुत सी घटनाओं के साथ दर्ज है। भारत के संघीय इतिहास में इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के रूप में तीन राज्यों का उदय हुआ था। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बने 21 जनवरी 2022 को पूरे 50 वर्ष हो जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ये तीनों राज्य प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि, इतिहास और जीवन संस्कृति के साथ धन्य ये राज आकर्षक हैं। ये त्रिपुरा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत को मणिपुर के राष्ट्रीय विकास में योगदान पर गर्व है। मणिपुर नवाचार और खेल प्रतिभा का एक पावर हाउस है। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। त्रिपुरा क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मेघालय को मिनी स्कॉटलैंड और बादलों का घर कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अगर देखा जाए तो मेघालय के चेरापूंजी में होती है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मणिपुर की छात्राओं के साथ मेरा बिल्कुल करीब का संबंध रहा है और ये छात्राएं हमारे साथ तीन रात तीन दिन बिल्कुल हमारे घर पर साथ गुजारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। महान शूरवीर मेवाड़ के महाराणा प्रताप पे सुमन कुमारी जुड़ी हुई हैं। सुमन कुमारी जी, क्या आपने नहीं देखा? सुमन कुमारी जी तो जुड़ी हुई हैं। क्या हो गया? सुमन कुमारी जी का नाम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ। जी सर। तो फिर क्यों नहीं आया? आप आइए ना। हाँ हाँ, आ गई मैं। आप बोलिए, आपका अब कुछ बोला नहीं जाएगा। ग्रुप में आपने देखा नहीं? आप महाराणा प्रताप के बारे में श्रद्धांजलि सवा दो ढाई मिनट का दीजिए। जी, महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत परिवार में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। इनके शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे। यह बात महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए गए। पहला राजदूत जलाल खां सितंबर 1572 में महाराणा प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में 1573 में मान सिंह और भगवान दास भी गए। अंत में अकबर के चौथे राजदूत राजा टोडरमल ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के पास गए, परंतु महाराणा प्रताप ने चारों ही राजदूतों को निराश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हुआ।
अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत का टिक पाना असंभव था, परंतु इस युद्ध में राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जैविक जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और सीला ही सैया थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। इसके लिए मुगलों द्वारा कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए गए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। हिंदू का वह गौरव सूर्य इस संकट त्याग और तप में भी अडिग रहा। सीमित साधनों के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह की मदद से महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य बल का पुनः गठन किया। अंततः युद्ध के दौरान लगी चोटों की वजह से 19 जनवरी 1597 में चावड़ में इनकी मृत्यु हो गई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही झुका सका। महान वह होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे व्यक्ति लोगों के दिलों में जन्मों जन्मों तक जिंदा रहते हैं। तो ऐसे महान सपूत श्री महाराणा प्रताप जी को मैं संपूर्ण आरजेएस परिवार के सभी भाई बहनों और सदस्यों की तरफ से सत सत नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मीना। जय हिंद, जय भारत। आप बोलिए डॉक्टर मीना, आप बोलिए, आप रुकिए नहीं। जी सर। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मीना, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को आरजेएस के संपूर्ण परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके बाल्यकाल में बचपन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेज साहित्य में विख्यात कवि डब्ल्यू टी ईट्स की कविताओं पर शोध और कर पीएचडी की उपाधि पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन में हुआ था, जो उस समय 14 वर्ष की थी, लेकिन 1935 में श्यामा की टीवी के कारण मृत्यु हो गई। बाद में ये इनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हुए। तेजी बच्चन से हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई घटनाओं में अभिनय का काम किया। हरिवंश राय बच्चन की ऐसे तो मशहूर कई एक कृतियां हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक का वर्णन मैं आपके समझ करना चाहूंगी। इस महान कवि ने गीतों के लिए आत्मकथा, निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया। इनके सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में से निशा निमंत्रण, मिलन, यामिनी, धार के इधर उधर आदि अग्रणी हैं। हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचनाओं में क्या भूलो, क्या याद करो, टूटी छूटी कड़ियां, नीर का निर्माण, फिर आदि श्रेष्ठ है। मधुबाला, मधुकला, संत तरंगिनी, एकांत, संगीत, निशा निमंत्रण, विकल, विश्व
खादी के फूल, सूत की माला, वीलन, दो चट्टाने, भारतीय और अंगारे आदि बच्चन के मुख्य कृतियां हैं। हरिवंश साहब बच्चन जी की उपलब्धियां यहाँ बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1968 में अपनी रचना दो चट्टाने कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन का कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद करूं, निंदा का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दस द्वार पर सौवन तक के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन मोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की आयु में 3 जनवरी सन 2003 में मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ जाता है, यह सत्य है, लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और सत्कर्म की छाप लोगों के दिलों में कुछ इस तरह छोड़ जाते हैं जिसे याद किया जाता है। इनकी एक कविता की पंक्तियां जो हमारे जीवन को आत्मसात करती हैं, मैं आपके समक्ष बोलना चाहूंगी। कोशिश करने वालों की से है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बहुत ही गौरवान्वित पंक्ति है इनकी, जिन्हें मेरे जीवन में भी बहुत रंग लाई है। इनकी एक कविता आपके समक्ष और बताना चाहूंगी। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है हवा, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे। जय हिंद जय भारत। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आरजेएस की संपूर्ण टीम, संयोजक उदय मन्ना जी एवं आरजेएस पटना केंद्र के प्रभारी महोदय डॉक्टर झुंझुनवाला जी एवं बिजोन मिश्रा जी के को अपने सत नमन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। जय हिंद जय भारत। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी बोलिए। जय हिंद जय भारत। आजादी के अमृत गाथा के इस 43वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, आरजेएस टीजेपीएस केबीएस के तथा सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं तथा स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि पर जो कि 20 जनवरी को है श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। साथ ही उनके अविस्मरणीय योगदान, जीवनी आदि को इस वेबिनार के माध्यम से साझा करना चाहती हूँ ताकि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सके, क्योंकि चरेवेति की प्रासंगिकता कभी न खत्म होने वाला ब्रह्म वाक्य है। देश काल और सीमा से परे एक ऐसा शख्सियत जो ताउम्र देश सेवा
समाज, शिक्षा आदि के उद्धार और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। इसके एवज में जिसे जेल की सलाखों में न सिर्फ रहना पड़ा बल्कि जीवन का अंतिम समय भी नजरबंदी के रूप में दम तोड़ना पड़ा, ऐसे शख्सियत थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 ईस्वी को पेशावर, तत्कालीन ब्रिटिश भारत, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके परदादा अब्दुल्ला खान बहुत ही सत्यवादी जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वहीं उनके पिता बेरहम खान शांत स्वभाव के थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। अपने बेटे अब्दुल्ला खान को प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में तथा उसके बाद की शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में करवाई, बाद में अलीगढ़ से आगे की पढ़ाई की। शिक्षा लेने के बाद वह देश सेवा में लग गए। सरहद के पार अपने लोगों की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान प्रारंभ से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान ही उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। वह उनके विचार, दर्शन और सिद्धांत से काफी प्रभावित थे। इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व से भी झलकता है। वो पख्तूनों के नेता के साथ साथ ब्रिटिश भारत के भी अग्रगण्य नेताओं में से थे जिन्होंने देश की सेवा तन मन धन से की थी। देश की आजादी बंटवारे की कीमत पर लेना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन वक्त की नजाकत थी कि देश का विरोध विभाजन हुआ और उन्हें देश छोड़ वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में जाना पड़ा। वहां की सरकार इनसे नाखुश रहते थे क्योंकि वो कांग्रेस समर्थक थे। जीवन का अधिकतम समय जेल और यातनाओं में बिताया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कई संस्था संगठन जैसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलाया, रेड शर्ट, कई स्कूल आदि चलाकर देश और समाज की सेवा करना चाहा। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहे, लेकिन उसकी अध्यक्षता करना कभी नहीं स्वीकार किया। लेकिन वो गांधी जी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा पूरा पूरा सहयोग दिया। जीवन का अधिकतम समय देश सेवा, समाज सेवा को देते हुए अंतिम सांस 20 जनवरी 1988 को लंबी बीमारी की वजह से पेशावर में हो गया। भारत सरकार ने उनका सम्मान 1987 में भारत रत्न उपाधि से किया। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, आदर्श और दर्शन हमें सदैव मार्गदर्शन और प्रेरित करता रहेगा। गांधी जी का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर इतना था कि उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। हालांकि वो कई नामों से जाने जाते थे, लेकिन वो उनकी लोकप्रियता उन्हें सीमांत गांधी से ही मिली। एक बार पुनः मैं आरजेएस परिवार की ओर से अब्दुल गफ्फार खान साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा उनके सिद्धांतों को आगे ले जाने का संकल्प भी लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
मुन्नी कुमारी जी अनम्यूट कीजिए। रेणु श्रीवास्तव जी। जी सर। जय हिंद, वंदे मातरम। आवाज मिल रही मेरी? आप बोलिए, नहीं मिलेगी तो बताया जाएगा। रेणु जी आप कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं भारत के महान सपूत ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में बात करूंगी, उनको श्रद्धांजलि दूंगी, उनको सत सत नमन विनम्र श्रद्धांजलि। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के सकारात्मक भारत आजादी के आंदोलन के 43वें अंक में मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से सभी मुख्य अतिथियों और आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों का सादर अभिवादन करती हूँ। और आजादी के अमृत गाथा महोत्सव में मुझे जो कुछ भी जानकारी है वह मैं आपको बताऊंगी ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी का जन्म 17 जून 1903 को एक अग्रवाल परिवार के आसाम के दिब्रुगढ़ जिले में स्थित तामुलबारी नामक चाय के बागान में हुआ था। इनके पिता परमानंद अग्रवाल और माता किरण गोई अग्रवाल थी। उनका परिवार 1811 ईस्वी में राजस्थान के मारवाड़ से आसाम में जाकर बस गया था। अग्रवाल जी की शिक्षा आसाम और कोलकाता से हुई थी। 1921 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस दौरान असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आंदोलन रुक जाने पर कोलकाता के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद 1926 में इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए वो इंग्लैंड चले गए। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वो जर्मनी गए और वहां पर उनका संपर्क हिमांशु राय जी से हुआ। राय साहब से सिनेमा कला सीखने का अवसर भी मिला। 1930 में भारत आने पर फिर से असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए। वहां पे उनको 15 महीने कैद की सजा मिली। जर्मनी से सीखी कला का उपयोग करके 1935 में असमिया साहित्यकार लक्ष्मीकांत बेजरुआ के ऐतिहासिक नाटक ज्योमति कुंवर को आधार मानकर असमिया फिल्म बनाई। वे फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पटकथाकार, संगीतकार, सेट डिजाइनर, नृत्य निर्देशक सभी कुछ थे। 1932 में उनकी शादी देवयानी भुइया जी से हुई। ज्योति प्रसाद ने सहयोग के दो सहयोगी थे गुरु विष्णु प्रसाद और फड़ी शर्मा के साथ असमिया जन संस्कृत को एक नई चेतना दी। स्वर्णिम युग था। ज्योति प्रसाद की संपूर्ण रचना को सरकारी प्रकाशन संस्थाओं में 4 खंड में प्रकाशित किया गया। उनके 10 नाटक थे, 10 कहानियां, 10 उपन्यासकार, 20 से ऊपर निबंध, 359 गीतों का संकलन था। हिंदी में कुछ, अंग्रेजी में अधिकतर असमिया भाषा में लिखे थे। आसाम सरकार 17 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में पूरे आसाम में सार्वजनिक अवकाश रखती है या शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी आयोजनों के अतिरिक्त स्कूल में उत्साह से कार्यक्रम होता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी का शरीर 17 जनवरी 1951 को शांत हो गया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा धनी को मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से राजेश परिवार के तरफ से तथा सभी मुख्य अतिथियों की ओर से सादर नमन करती हूँ, सत सत श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठाकुर रोशन सिंह जी को श्रद्धांजलि। जी कम ऑन, आइए। नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस कड़ी में आज मैंने जो बैनर्स पोस्टर देखे, पत्रकार जो कि आरजेएस का मेन सिद्धांत पत्रकारिता से ही शुरुआत हुई थी और उदय मन्ना जी इसके पुरोधा भी हैं, उन्होंने
कमाल खान जैसे पत्रकार को भी याद किया और हम सबके सामने उनको यहाँ पर बैनर के जरिए हमने देखा और श्रद्धांजलि भी दी गई है। इसी कड़ी में हम आज अपने इस मंच पर तमाम मेहमानों के साथ आप सबके साथ ठाकुर रोशन सिंह जी को इशाक खान जी ये कितना मतलब पत्रकारिता पर आजकल काफी चर्चा चलती है, आप भी दूरदर्शन दिल्ली में हैं, आपने देखा होगा कि पत्रकारों को जो आजादी से पहले मिशन पत्रकारिता करते थे लेकिन आज के पत्रकारों को पता नहीं क्या हो गया है और सरकारें किस तरह से पत्रकारिता को चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही है। यहाँ पर इशाक खान जी कमाल खान की हम लोग श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कमाल खान पक्ष विपक्ष सत्ता विपक्ष सब में लोकप्रिय थे और आपने जो तस्वीर देखी कमाल खान कमाल की पत्रकारिता करते थे और लखनवी तहजीब की पत्रकारिता जो करते थे, देश विदेश में लखनऊ की जो तहजीब है उसको पहुंचाने में कमाल खान का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और दूसरा चर्चा इसलिए हम लोग इसको जारी रखेंगे क्योंकि ये राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर की थीम को कमाल खान डिपिक्ट कर रहे हैं। और इशाक खान जी आप ये देखिए कि कमाल खान जो है उनकी मां ने कई सालों के बाद पूछा कि आपकी पत्नी कहां से बिलोंग करती है, मतलब मां को ये पता नहीं था कि रुचि उनकी वाइफ हैं जो वो भी मीडिया संस्थान से जुड़ी हुई हैं। कमाल खान एक 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 दस्तावेज बन चुके हैं अपने जमाने के, वो हस्ताक्षर कहे जाएंगे। और ऐसा लगा हम लोगों ने जो आरजेएस के आरजेएस ऑब्जर्वर भी जुड़े हुए हैं, हम लोग इस चीजों पे काफी बारीकी से नजर रखते हैं कि आखिर देश के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग इस मंच पर ले आए। आप ये देख रहे हैं ये कहां कि वो आरती है, गंगा आरती बनारस की, बनारस की गंगा आरती में ये गंगा जमुनी तहजीब को लोगों ने माना है, ये लोगों की चीज है, इसमें सत्ता विपक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये है पत्रकार की इज्जत जो अच्छी पत्रकारिता। और यहां पर आप देखिए ये किसी कलाकार ने जो बनाया है एनडीटीवी का और यहाँ पे उनका वो है, ये सुपुर्दे खाक जो किया गया है ये लोगों की भावनाओं का आदर है और लोगों ने जिस चीज को एक्सेप्ट किया है आरजेएस फैमिली उन चीजों को राष्ट्रीय मंच पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करती है और यही आरजेएस की खूबसूरती है कि आपसे रुका नहीं गया और आपने कमाल खान का जिक्र भी कर दिया। जी आगे बढ़िए, ठाकुर रोशन सिंह जी के बारे में। उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है और यही वजह है कि बनारस जैसे गंगा घाट पर और गंगा आरती के वक्त उनको स्मरण किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, ये उनकी कमाई है, एक असली पत्रकार की कमाई है। उनको भी हम खिराजे अकीदत और श्रद्धांजलि पेश करते हैं आज इस मंच से। और ठाकुर रोशन सिंह जी जो कि नैनी जेल में एक स्मृति पुरोधा के तौर पर वहां मौजूद हैं, उनकी आदमकद प्रतिमा है। और मैं अपनी थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो मेरा कॉलेज था ECC इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो गौ घाट में है, वहीं पर लोहे का पुल है और पुल पार करते ही जमुना के उस पार वो नैनी का इलाका पड़ जाता है। तो हम लोग अक्सर जाया करते थे कभी भ्रमण के तौर पर, कभी ऐसे ही शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो वहां पर आदमकद प्रतिमा हमने देखी आपकी और उस आदमकद प्रतिमा के नीचे एक शेर लिखा हुआ है कि जिंदगी जिंदा दिलों को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। वास्तव में रोज फना होते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कितनों को लोग याद करते हैं, कितनों को देख पाते हैं, ये एक नजरिया दे जाते हैं ऐसे लोग हम सबको। और हमारी पुण्यतिथि और इस उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक जरिया ये भी है कि उनके अगर थोड़ा बहुत भी पद चिन्हों को हम अगर अपने आत्म में आत्मसात कर सकें, अपने ऊपर उनके प्रेरणा को उतार सकें, तो यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी, न कि सिर्फ यहाँ उनका नाम ले लेना। ठाकुर रोशन सिंह जी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1892 को शाहजहांपुर के एक गांव में और उनके पिताजी थे ठाकुर जग्गी सिंह, माता कौशल्या थी और कौशल्या के पुत्र कैसा होता है ये दुनिया जानती है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलकर ये बताना चाहेंगे कि जब वो अपना एजुकेशन के बाद निकले तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी भाग लिया था और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो गीता का पाठ
बहुत किया करते थे, अक्सर किया करते थे और उसे आत्मसात भी करते थे। और इसका उनका एक ही कारण था कि गीता में ये बात कही गई है कि जो हमारे जिम्मे जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेवारी है, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे पहला धर्म हमारा वही है। इनका धर्म था देश को आजाद कराने का। ये जानते थे कि हम दो चार लोग क्रांतिकारी हैं, हो सकता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक नजरिया जो हम दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को, वो जरूर इस कदम को आगे लेकर जाएंगे और देश आजाद होगा। और इसीलिए वो हमेशा इस बात पर अडिग रहते थे और अपने दोस्तों को लिखते भी थे। अपने मौत से पहले जब उनको मौत की सजा हो गई थी तो एक पत्र लिखा था अपने मित्रों को कि मेरे मौत पे कभी रंज नहीं करना, कभी इसको लेकर के तुम लोग विचलित नहीं होना, अफसोस नहीं करना, क्योंकि मुझे जो करना था हमने कर लिया, अब इसे आगे आपको प्रेरणा लेनी है इससे। ये बात थी। और कहते हैं कि जब सुबह उनको फांसी होने वाली थी तो जिस जेल में बंद थे, रात में एक दो घंटा आराम करने के बाद उन्होंने नित्य क्रिया किया, स्नान ध्यान किया, इसके बाद गीता का पाठ किया। और गीता के पाठ में वो एक श्लोक पर जरूर जोर देते थे, अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यानी कि जो अपने कर्तव्यों को धर्म समझ करके उस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, वो अपने कीर्ति को, अपने यश को पाप के भागीदार बना देगा। ये गीता का अनुशीलन वो अक्सर करते थे। और जब वो फांसी के फंदे तक पहुंचे, उन्होंने एक वेद मंत्र का भी जाप किया, ओम विश्वानि देव सवितुर दुरांतानि परासुव यत्र सत भद्रम तन्नासुव। ये वेद मंत्र है, इसका भी मर्म वो लेकर के हमेशा चलते थे। तीन बार वंदे मातरम बोला फंदे के चुभने से पहले, इसके बाद वंदे मातरम कहने के बाद उन्होंने फंदा अपने गले में डाल लिया। और जब तैयार होकर के जेल से पूरी तरह से निकले तो वक्त से कुछ पहले ही जाकर के वो अपने चौकीदार को, थाने के चौकीदार को कह रहे हैं कि अब मैं तैयार हूं चलो। चौकीदार भी हैरान हो गया कि इसकी फांसी होनी है और ये खुद तैयार होकर के गीता हाथ में लेकर के चला आया और कह रहा है कि मैं तैयार हूं चलो, या भगवान ये देव है या आदमी है। तो ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज इस मंच पे हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फिर आगे अकीदत करते हैं। और हम चाहते हैं कि आरजेएस जो मंच है, इससे जितने भी जुड़े हैं वो आने वाले महानुभावों की बातों को सुनेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे और इस कड़ी को आगे भी बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कामिनी कुमारी, हुमाई ब्योरा और ब्यारा वाला, कामिनी किचलू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, सैफुद्दीन किचलू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कामिनी कुमुद भगवान श्री कुमुद जी, अनम्यूट करें आप।
सर अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के आजादी की अमृत गाथा 42 और 16 जनवरी वेबिनार 43 के अंक के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं आरजेएस फैमिली की आभारी हूँ। भारत सूचना प्रसारण केंद्र पटना बिहार के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी तथा राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस श्री उदय कुमार मन्ना जी का मैं सदैव आभारी हूँ, जिसने मुझे इतना बड़ा मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जब भी जलियांवाला बाग और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर भारत में पंजाब के योगदान की बात की जाती है तो एक नाम हमारे जुबान पे जरूर आता है, वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक स्वतंत्रता सेनानी, पेशे से वकील और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर, अंग्रेजी हुकूमत के पुरजोर आवाज उठाई थी इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेक एक्ट जैसा तानाशाही कानून पास किया, तब उसका विरोध डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया था और वह सबसे आगे रहे। 15 जनवरी उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जलियांवाला बाग का नायक कहा जाता है। उनका जन्म 15 जनवरी 1888 ईस्वी को फरीदकोट में हुआ था। उनके पिता अजीजुद्दीन और माता जान बीवी थी। उन्होंने लंदन से कानून का अध्ययन किया और जर्मनी से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 1915 में सादात बानो से शादी की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकर्ता थी तथा उर्दू की कवित्री भी थी। उन्होंने तहरीक ए तंजीम नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की और उर्दू में तंजीम नामक एक पत्रिका की शुरुआत की। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव की कामना की और लोगों से धार्मिक भावनाओं के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्हें ब्रिटिश भारत में 14 साल की कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्हें शांति और मित्रता जैसी संस्थाओं के माध्यम से विश्व शांति के लिए काम किया और उन्हें 1954 में स्टालिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। समाजवादी समाज का सपना देखने वाले और जीवन भर विश्व शांति के लिए काम करने वाले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का 9 अक्टूबर 1963 को निधन हो गया। आरजेएस फैमिली की आजादी की अमृत गाथा से जुड़े 25 राज्यों के लोगों की ओर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा एक बार पुनः मैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को विनम्र श्रद्धांजलि पूरे आरजेएस परिवार की तरफ से ज्ञापन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत, वंदे मातरम। इतना समय व्यतीत हो रहा है खाली खाली। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आएगी तो बताया जाएगा। देखिए ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस वक्त जो है शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम के लाइन पर चल रहे हैं। बोल रहे थे तो तुम लोग को बात करना जरूरी है, सब आवाज जाता है।
देखिए यहाँ आप म्यूट कीजिए, मेरे ख्याल से कामिनी कुमुद जी हैं, आप म्यूट कर लीजिए अपने। मध्य प्रदेश से रिटायर शिक्षिका प्रेम प्रभा झा आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी की आभारी हूँ। सकारात्मक भारत आंदोलन देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जगाने का अद्भुत प्रयास है, जिससे मुझ जैसे रिटायर शिक्षिका को भी मार्गदर्शन मिल रहा है। आज मैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पर दो शब्द बोल रही हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह दिवस 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। सड़क दुर्घटना के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में 78.7% चालकों की गलती से होती है। इस गलती के पीछे मादक पदार्थों का इस्तेमाल, शराब, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दुर्घटना कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, साइन बोर्ड सिग्नल का पालन करना चाहिए, फुटपाथ पर चलते वक्त सड़क पार करने के लिए फुटपाथ का उपयोग करें, सड़क पर बाईं ओर चलें, कभी यह सोचकर गाड़ी न चलाएं कि आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और सड़क के बाकी लोग आपके प्रतियोगी हैं। गाड़ी चलाते समय अपने सभी कागजात साथ रखें, हमेशा ध्यान दें आपकी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा आप पर ही निर्भर है। ध्यान से और धीरे गाड़ी चलाएं, सकारात्मक सोच रखें। इतना कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। ममता रानी, विजय लक्ष्मी जी, अभी भी आवाज है। कामिनी माथुर जी, ये तो बैनर देखते ही जिनके जिम्मे है वो शुरू हो जाना चाहिए था, समय ज्यादा व्यतीत। एनीवे ये श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप लोगों ने देख लिया है, अब 11 बजने वाले हैं, हम लोग एग्जैक्ट राइट टाइम पे इस वक्त हमारे सभी अतिथि जुड़ चुके हैं और अब
श्रद्धांजलि सत्र को यहाँ पर संपन्न किया जाता है। ये हम लोगों का शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम ये अभियान जो है अब शुरू हो गया है 2022 में। स्वयं का स्वामी बनो जो अभियान चल रहा था 2021 में वो संपन्न हो गया 31 दिसंबर 2021 में। अब शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम इसे लेकर हम लोग नए नए प्रयोग करेंगे। यहां पर यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत अगले रविवार वार्षिक कार्यक्रम आरजेएस का राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम होगा और उसमें 10 से 11 तक शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम और श्रद्धांजलि देने का क्योंकि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है तो सभी जो अतिथि आएंगे वो देश की ही बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे पराक्रम दिवस भी हम लोग मनाएंगे और इस तरीके से देश की ही बात होगी। जो शहीदों के वंशज हैं वो लोग भी आ रहे हैं और जो MS बिट्टा साहब जो वंदे मातरम के आरजेएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके भी आने की उम्मीद है। तो अब विधिवत कार्यक्रम चूंकि सभी लोग यहां पर उपस्थित हो गए हैं 11 बज रहे हैं और 11 बजे से हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत एक मुख्य विषय लेते हैं जिस पर की विचार विमर्श और मंथन करते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच में प्रोफेसर विजयन मिश्रा जी 71 साल के जवान उपस्थित हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज 35 सालों में उनके जो अनुभव हैं उसको उपभोक्ता आंदोलन में जो अनुभव हैं उसको सुनने का हम लोगों को मौका मिलेगा। ये आरजेएस फैमिली के एडवाइजर भी हैं और आजादी की अमृत गाथा के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। मैं याद करना चाहूंगा यहां पर डॉक्टर के अग्रवाल जी का भी कि जिंदगी के साथ भी हम लोग उनके साथ हैं और जिंदगी के बाद भी हैं और प्रोफेसर विजयन मिश्रा जी तो डॉक्टर के अग्रवाल जी के साथ काफी सहयोगी रहे हैं, साथ में काफी काम किया है उन्होंने देश के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से। सभी अतिथि यहां पर हम लोगों के जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि आज वेलकम एड्रेस के लिए सुदीप साहू जी जो कि आरजे सूचना केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी हैं और वोट ऑफ थैंक्स करेंगे हमारे आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटेल नगर दिल्ली के प्रभारी हैं सुरजीत सिंह जी कोहली दीदेवार जी, सभी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विजयन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आजादी की अमृत गाथा के इस 43वें अंक में आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना सभी का स्वागत करते हुए और जब भी पॉजिटिव स्पीकर्स हैं और जो हमारे अतिथि जो पहली बार आज आरजेएस फैमिली के इस वेबिनार में आए हैं उन लोगों को बताना चाहेंगे कि राम जानकी संस्थान नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना और तफसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल के सचिव सोमेन कोले, बैनर पे आप देख रहे होंगे नीचे साइड में, ये हम लोगों ने सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण का ये कोशिश की थी 6.5 साल पहले और लगातार सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण की कोशिशों में 152 फिजिकल बैठकें करने के बाद 150 से ज्यादा फेसबुक लाइव करने के बाद आजादी की अमृत गाथा में भारत सरकार के अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी लंबी श्रृंखलाबद्ध भागीदारी के अंतर्गत हम लोग आज 50% कार्यक्रम करके आज 43वें अंक में उपस्थित हैं और इस 43वें अंक के आप जानते हैं मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हमारे दूसरी बार बनाए गए हैं। पहले हमारे इस तरह के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी। तो आज हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि 25 सालों का जो उपभोक्ता आंदोलन है उनको किस नजरिए से देखने के हमारी दृष्टि जो है बदल जाएगी क्योंकि हम लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये अपने आप में आरजेएस फैमिली गौरवान्वित महसूस कर रही है। उनका स्वागत करते हुए सभी लोगों के स्वागत करने के लिए विधिवत हम आमंत्रित करते हैं आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी सुदीप एडवोकेट सुदीप साहू जी को। सुदीप साहू जी सादर आमंत्रित हैं आप। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। जी सुदीप साहू जी। जी मैं दीप माथुर जी भूतपूर्व
डायरेक्टर एमसीडी दिल्ली के हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही आपका स्वागत तथा प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं और इस समय विभिन्न जगह से जुड़े हुए सारे ही लोग का मैं स्वागत करता हूं और अभी मैं उनका जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर साहब का मैं स्वागत करता हूं और उनके विषय में कुछ बताना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब कंज्यूमर एक्सपर्ट होने के साथ साथ ही कंज्यूमर पॉलिसी के विषय में इतने ज्ञानी हैं कि उन्होंने इस वक्त जो भारत में चल रहा है उसके विषय में एक एक जगह जाकर के इन्होंने हर कॉन्फ्रेंस में जाकर के कंज्यूमर के हितों की बात की है। उनका जो मेन फोकस है वो कंज्यूमर का हित कैसे हो सकता है उसके विषय में वो हमेशा सोचते हैं और करते हैं। अब मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब का जन्म 1951 में जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज बोर्ड से अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की तथा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मार्केटिंग जो है उनके मुख्य विषय के रूप में BHU से उन्होंने प्राप्त किया था और इसके बाद टाटा स्टील कंपनी से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया बिजनेस लीजिंग का, लीजिंग एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने शुरू करी। और इसके साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि उनके काम को देखते हुए 2012 में BHU का जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसने उनको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड भी दिया और उनका सम्मान किया। इसी के साथ ही इंटरनेशनल नो टोबैको डे पर WHO भी उनको सम्मानित किया। प्रोफेसर साहब ने एक कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन बनाया हुआ है जिसमें वो कंज्यूमरों से संबंधित पॉलिसी और उनके जो नए नए रिसर्च है उसके बारे में भी वो बताते रहते हैं। इसी के साथ ही कंज्यूमर अवेयर नाम की पत्रिका भी वो निकालते हैं जिसके कि वो संपादक, प्रकाशक और लेखक हैं। और उन्होंने वो जब सबसे पहले 1987 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बनी तो वो उसके प्रथम सदस्य बने, साथ ही साथ बिहार कंज्यूमर स्टेट काउंसिल उसके भी वो सदस्य रहे और उन्होंने पेशेंट सेफ्टी एंड इनिशिएटिव संस्थान की भी स्थापना करी तथा उनके साथ और भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो है हमारे जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित कानून बने जहां जहां भी उपभोक्ता की समस्या आई है उसमें उन्होंने जो है दखल दिया है। अभी जैसे कि रेरा कानून है ये कंज्यूमरों से जुड़ा हुआ बेहतरीन कानून बनाया उसमें भी उन्होंने दखल दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसमें उनका हाथ है और 1983 से उन्होंने जमशेदपुर कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, मैनेजिंग फाउंडर के रूप में उपभोक्ताओं को जागृत करना शुरू करा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टीवी पे अखबारों में लिखा हुआ देखते हैं जागो ग्राहक जागो और विज्ञापन आता रहता है टेलीविजन पे, उसके तहत ये भी उनका ही जो है विचार था कि इस तरीके से नारा बनाया जाए जागो ग्राहक जागो जिससे लोग बार बार सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बेहतरीन आता है। और इसी के साथ साथ वो विदेशों में भी उन्होंने यात्रा की और विदेशों में जहां भी गए हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित और उनकी सेफ्टी से संबंधित उनके हितों के लिए जो है अपने विचार उसमें जरूर शामिल किए हैं। प्रोफेसर साहब विभिन्न कंपनियों में कंसल्टेंट रहे हैं और आज भी रहे हैं और वो जहां भी कंसल्टेंट रहते हैं तो वहां पे ये देखते हैं कि वो संस्थान कंज्यूमर फ्रेंडली उसके अंदर कल्चर है कि नहीं है। अगर वहां पे कंज्यूमर फ्रेंडली कल्चर नहीं है तो वो उसको डेवलप करने के लिए उस संस्थानों को सलाह देते हैं कि आपके संस्थान का जब तक कुछ अच्छा उद्देश्य नहीं, जब तक आप उपभोक्ताओं के हितों की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी चीज आप बना रहे हैं, जो भी सेवाएं आप देने जा रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो उपभोक्ता ही है। वर्तमान में प्रोफेसर साहब जो है इस बात का एक इंडेक्स तैयार कर रहे हैं कि वो ये जान उस इंडेक्स के माध्यम से ये पता चलेगा कि कंज्यूमर फ्रेंडली, सबसे ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली कौन सा राज्य है तथा ही वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो हमारे तमाम ब्रांड हैं उनको भी परखने के लिए अपना एक मापदंड तैयार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अब जो है प्रोफेसर साहब अपने अनुभवों का जो है हमको फायदा पहुंचाएं और अपनी बात वो प्रारंभ करें। मैं उदय मन्ना जी को कहता हूं कि वो जो है उनको आमंत्रित करें और हम उनको सुनने के लिए आतुर हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
जी आपने आदेश कर दिया सुदीप साहू जी आमंत्रित करने के लिए, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से हमारे प्रभारी जो है जुड़े हुए हैं वो लोग भी बड़े उत्सुक हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी आज आरजेएस फैमिली के लिए समय निकाले हैं अपना। तो मैं आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बालाजी जो कि प्रिंसिपल हैं बीडीएसएल महिला कॉलेज जमशेदपुर, उनको आमंत्रित करते हैं दो शब्द स्वागत में बोलने के लिए। धन्यवाद उदय कुमार मल्ला जी, वंदे मातरम सभी को। मैं डॉक्टर पुष्कर बाला आज सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर की टीम की ओर से आज की मुख्य अतिथि एवं आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर विजन मिश्रा जी को पूरी टीम की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जानकर बहुत खुशी हो रही है मुझे और मेरे और पूरे टीम को कि आप आज से लगभग 40 वर्ष पहले उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत आपने जमशेदपुर से ही की थी। सर आपका बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। पूनम बालन करके हैं, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आवाज आ जा रही है। हम लोग प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जो है वो 12 बजे शुरू करेंगे। इस वक्त जो है हमारे प्रभारी सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो साधक हैं उनको आमंत्रित करते हैं स्वागत करने के लिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज सकारात्मक सूचना केंद्र पटना में उपस्थित सभी भावुक इच्छुक आतुक भाई बहनों की ओर से और मैं नमन करता हूँ अपने उपभोक्ता आंदोलन के उपभोक्ता के नीति कार क्रोधा मिश्रा जी को, इनको सब जानते हैं हमारे हरेक सदस्य और वो उत्सुक हैं कि आज के दिन वे जानेंगे एक उपभोक्ता बनेंगे राष्ट्र के जो जीवन की रक्षा में उनके कार्य कर्मों को बल देंगे। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ उपस्थित सभी भाई बहनों के और उसे मैं प्रार्थना करता हूँ परम प्रभु परमात्मा से। ओ माई लॉर्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, आवर लॉर्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, लेट अस मूव टूगेदर टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सकारात्मक नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, फ्रॉम नन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी। आ नो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, यानी कि मानवीय गुणों के संस्कारों से अनुप्राणित जीवन जीने की व्यवस्था संस्कृति कहलाती है और विश्व परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सबका हित चिंतन भारतीय संस्कृति का मूल आधार रहा है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए हम लोगों को जो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर, इसी को हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं और अब आरजेएस के जो ऑब्जर्वर हैं जिन्होंने लगभग 5 सालों तक इस पौधे को जो सकारात्मक भारत आंदोलन है इसको सींचा है, आगे पुष्पित पल्लवित किया है, आमंत्रित करते हैं आरजेएस ऑब्जर्वर जो दिल्ली नगर निगम के पूर्व निदेशक रहे हैं श्री दीप चंद्र माथुर जी। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट। हेलो। हाँ बोलिए। यस सर
आप सभी को बहुत बहुत वंदे मातरम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, एडवोकेट सुदीप साहू जी, सरदार सुरजीत सिंह दिदेवार जी, since many of us have joined this webinar for the first time, I think I would briefly take few minutes to apprise these new and new members about the our organizations. You know, I mean, this our organization, Ram Janaki Sansthan, which is working from Delhi, and TJAPS KPSK, which is working from Hooghly in West Bengal, are working together in the direction of positivity for the last 6.5 years. Our organization was established in July 2015. So it is almost 6.5 years now. And it is my proud privilege to briefly apprise you of your good self, of our philosophy, vision, and activities. You know, I mean, we are primarily motivated by the feelings of the sentiments of patriotism, nationalism, and respect for freedom fighters and our martyrs, our soldiers, and all that. These things form the core of our belief. You know, our primary objective is to promote and cultivate positivity in our day-to-day life, our thinking, and our outlook towards life. Nothing worthwhile can be achieved with negative thinking and negative approach. When positivity is adopted by the adopted by us, the clouds of negativity, depression, cynicism, and hopelessness disappear. You know, it's all sunshine everywhere when we are positive. You know. So at RGS, our aim is to promote positivity, and our convener, Mr. Uday Kumar Mannaji, is working very hard for this, and we are moving in that direction in a very dignified and a very dedicated manner for the last 6.5 years. You know, and our efforts are dedicated to make one and all positive in life and open the doors of positive energy in the service of the society and the nation. And we are very fortunate that some of the very eminent personalities of the country have joined our movement. And one of them is Professor Bijon Mishra is with us, you know, right now. So we are very proud of him that he's associated with us. And we have Mr. M.S. Pitta, Dr. Jingan, and a whole whole generation of inspiring personalities. You know, it is our proud privilege that so many very eminent personalities have contributed to our cause. You know, our motto is nation first. India is one family, and the entire world is our home. So we have organized a series of 75 programs. We have aimed to organize a series of 75 webinars on the occasion of 75th anniversary of our country's independence. The present webinar is the 43rd webinar in the series. And we have other wings also, I mean, which include RGS Positive Media, RGS Vani, and RGS Facebook, and all that. Our programs can be seen on the YouTube and other channels. You know, we are present on the Google also. I mean, so this is a very unique experiment in our country, and which is nourished and cultured by the people who are rooted in ground. You know. So, I would request everyone who is a newcomer, I mean, who is a new entrant, who is listening to us for the first time, to join RGS Positive Media and contribute to a better society and a better nation. So, जो हमारे प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा हैं, उनको कुछ भी कहना एक सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा. तो मैं आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी स्पीकर्स ने उनकी जो उनका एक
एक स्पेशल पर्सनालिटी है उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दिया है, तो मैं उनके बारे में बहुत और कुछ नहीं कहूंगा कि बस वो एक तो हमारे उनका आशीर्वाद हमारे संस्थान पर बना रहे और हमसे जुड़े रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं उदय कुमार मन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई का संचालन करें। उदय कुमार मन्ना जी, धन्यवाद सर। अभी हमारे जो नए जुड़े हुए लोग हैं, अतिथि हैं, उन सभी लोगों को हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने स्वागत किया, साथ में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जो हैं प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, उनको आने से तो हम लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि जो पूरे प्राणी जगत है वो सुख शांति से पूर्ण हो, सभी निरोग हो, व्याधि से मुक्त रहे, किसी के भाग में कोई दुख न आए और सभी कल्याण का मार्ग का अनुसरण करें, दर्शन करें और इसी लाइन पर चलते रहें। और इसीलिए आरजेएस राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को चरितार्थ कर रहा है ये हमारा राम जानकी संस्थान और तपसिल जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, जो कि पश्चिम बंगाल की संस्था है। सकारात्मक भारत आंदोलन को 6.5 साल हो गए हैं। तो अब उपभोक्ता, आप जानते हैं कि उपभोक्ता के बारे में बहुत सारे अधिकार सरकार ने दिए हैं, लेकिन जानकारी किसे है? हमारे आम लोगों को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। तो आज एक विशेष सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत ये विशेष विषय जो है प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी को आमंत्रित करके बनाया गया है, ताकि हमारे घर घर में ये उपभोक्ता आंदोलन पहुंचे। और आप तो 35 सालों से ज्यादा हो गए जब उपभोक्ता आंदोलन को आपने जीवित किया है, जमशेदपुर से करियर को शुरू किया, आपने पटना में किस तरह से मोटिवेट किया कि वहां पर एक जज साहब थे जो कि अपने बरामदे में ही बैठकर बरामदे से ही वो शुरू कर दिए करना। तो आपने फिर दिल्ली आकर आपने कितना मोटिवेट किया, गवर्नमेंट के कई कमिटियों में आप रहे और अभी आप दिल्ली से शिफ्ट किए हैं हैदराबाद, वहां पर भी वहां से भी पूरे देश पर आपकी निगाह रहती है और बहुत सारे संगठनों में आप जुड़े रहे हैं, कई रिसर्च पेपर्स आपके जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति स्तर के हैं और आपको WHO ने, भारत के उन गिने चुने लोगों में प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी हैं जिनको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है, ये हम लोगों के लिए और भी बड़े गर्व की बात है। और बाकी भारत सरकार की कई कमेटियों में आप रहे हैं, उड़ीसा की सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में भी हैं। सुदीप साहू जी, जैसा कि आपने बताया था, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं सर। जी बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग रोज पानी पीते हैं, हमारे सबके घरों में वाटर प्यूरिफायर इस वक्त भेड़चाल के रूप में लगे हुए हैं। इसके ऊपर भी इन्होंने सर ने रिसर्च किया और इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा है, सेफ्टी इश्यूज कंसर्निंग स्टोरेज वाटर प्यूरिफायर्स। हम आजकल ऑनलाइन जो है दवाई मंगा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो दवाई ठीक होगी कि नहीं होगी, इसकी क्वालिटी होगी कि नहीं होगी। तो इसके उन सब चीजों के बारे में पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस टू इंटरनेट फार्मेसीज, ये इन सब बातों की चर्चा हम लोग 12 बजे करेंगे। और अपना सवाल तैयार रखिएगा, सभी लोगों से आमंत्रण है कि आप लोग अपने सवालों को तैयार रखिएगा, 12 बजे से क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। और इस वक्त हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और अब प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा अब उपस्थित हैं हम लोगों के बीच में, काफी समय से उपस्थित हैं और सारी कार्यवाही को देख भी रहे हैं कि कैसे राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। और मैं बता दूं कि यहाँ इस वक्त लगभग 90 लोग जुड़ चुके हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का नाम भी प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी बताएंगे। हमारे सुरजीत सिंह दिदेवार जी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए भी उपस्थित हो चुके हैं, जो सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटेल नगर दिल्ली के प्रभारी हैं। तो सीधा हम आमंत्रित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपभोक्ता पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, तालियों के साथ स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट उदय मन्ना जी, दीपचंद माथुर जी, यू नो पुष्कर बालाजी और हमारे सुदीप साहू जी, सारे जितने लोग हमारे परिवार के हैं, आरजीएस परिवार के सारे लोग जो आए हैं, जो जुड़े हैं आज, सबको कोटि कोटि प्रणाम, सबको बहुत ही मतलब गुड विशेस नया साल का। एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स
जो ओवरसीज से भी ज्वाइन किया है, आई कैन सी सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके लिए मिडनाइट से भी आगे है यूएसए में, वो भी ज्वाइन किए हुए हैं, कई लोग ज्वाइन किए हैं विश्व भर से, इंडिया से, हम सबको स्वागत करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जहां पर हैं सबको हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम बहुत ही लोगों से जुड़े हैं, लेकिन आज जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो वाकई में हमको पूछता है, हमको सपोर्ट करते हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल के आए हैं, हम सारे लोगों को पहचान रहे हैं जो आए हैं, लेकिन हम सबका नाम कहने जाएंगे तो फिर तो टाइम ओवर हो जाएगा, हम 40 साल के अनुभव 40 मिनट में कहने का कोशिश करेंगे और ये कोशिश भी करेंगे कि बाकी समय जो उदय मन्ना जी रखे हैं, हमारे जितने दोस्त जुड़े हैं हर एक को एटलीस्ट एक एक मिनट का समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये जानने के लिए उन लोग से कि जो भी हम अभी आप हमारा अनुभव आपके साथ हम बताएंगे, आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, विशेषकर एक साल में, पांच साल में, जितना दिन हम हैं आप लोगों के साथ, हमको क्या करना चाहिए, वो सुझाव एक मिनट में हमको जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल सुझाव होगा हमारे लिए। दोस्तों हम मिला जुला कर बात करेंगे, क्योंकि कई लोग जो हैं वो हो सकता है कि हिंदी से उतना वाकिफ नहीं है, तो आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि अपना भाषा को जितना सरल रखें ताकि सब लोग समझ सके। पहले हम सबको ये कहना चाहेंगे कि हम ये पॉजिटिव मीडिया से कैसे जुड़े। उदय मन्ना जी यूज्ड टू वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड ही यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली कम टू मी रेगुलरली हमारे बाइट लेने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम में ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया रेडियो जो उपभोक्ताओं के लिए संदेश होंगे। और उदय मन्ना जी और उनके जितने साथी हैं आज जिनको आप देख रहे हो इस परिवार के अंदर में, ये सारे लोग ये निर्णय लिए एक दिन कि लेट अस टॉक ओनली पॉजिटिव थिंग्स एंड दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम मीडिया, माइंड यू मोस्ट ऑफ देम दे आर लिंक्ड विद मीडिया। सो आई ऑलवेज फेल्ट दैट देश का उन्नति के लिए अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों सबको मालूम है कि ऐसा कोई मीडिया में जो काम कर रहे हैं जिनके साथ हमारा संबंध नहीं है, हम सारे मीडिया के लोगों के साथ संबंध रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उस ढंग का पूंजी नहीं है कि हम अपने संदेश को एडवर्टाइजमेंट के रूप से लोगों तक पहुंचा सके। तो यदि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमको मीडिया के थ्रू अपना संदेश को सही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी लेना अनिवार्य होता है। और कई मीडिया के लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ये हम आपको बता दें। आज आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे कि मीडिया केवल नेगेटिव बात करते हैं, मीडिया केवल पॉलिटिकल बात करते हैं, ये सच नहीं है। मीडिया में भी अच्छे लोग हैं जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बड़े मतलब निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, वेरी कमिटेड, हु आर टेकिंग द मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजंस एट द राइट प्लेसेस इन द राइट मैनर। So firstly, I would like to recognize all my media friends and I want to tell all of you ki hum kisi ko ka bhi naam lekar nahi pukarenge jo jeevit hai, jo aaj hamare logo ke beech mein nahi hai, jaise Uday Manna ji Dr. KK Agarwal ko yaad kiye, waise hum kuch logo ko zarur yaad karenge hamare 40 saal ke journey mein जो लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम रोल प्ले की है 40 साल का जर्नी में। तो जैसे आप सुने पुष्कर बालाजी भी कही और आप लोग सब सुने कि हमारा शुरुआत जमशेदपुर से हुआ है, जमशेदपुर से भी हम देख रहे हैं और भी कई लोग जुड़े हैं जिनको हम जानते हैं जो हमारे
पारिवारिक जिनके साथ संबंध है वो लोग भी जुड़े हैं, आज भी वो लोग जमशेदपुर में। कैसे शुरुआत हुआ? हम लोग शाम को बैठकर केवल गप करते थे क्लब में कि यहां गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, हमसे हमको स्कूटर नहीं मिल रहा है बुकिंग करने के बाद, हमको टेलीफोन कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं करते हैं फिर भी हमारे पास आकर पैसे मांगते हैं, यू नो सारे लोग खाली बैठकर क्रिटिसाइज करते थे शाम को। एक दिन हम लोग ये निर्णय लिए कुछ हम लोग दोस्त मिलकर कि क्यों नहीं हम लोग ये पता लगाएं कि कोई उपभोक्ताओं के लिए कोई संगठन देश में है कि नहीं। उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, आप लोगों सबको मालूम है, हम 1980s का बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास जेवियर इंस्टीट्यूट था, कॉलेज लाइब्रेरी थे, हम लोग उधर जाकर अध्ययन किए और पता लगा कि कई संस्थाएं ऑल ओवर इंडिया है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे में, ऐसी कई संस्थाएं कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, ऐसे कई संस्थाएं काम कर रहे थे, कंज्यूमर्स फोरम दिल्ली, ऑल ओवर द कंट्री। और हमको अब याद आया है कि प्रोफेसर मनु भाई शाह जो फाउंडर थे कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद के, वो जमशेदपुर में निमंत्रण पे आए थे, एक रोटरी क्लब में वो स्पीच दिए और एक्सएलआरआई के विजिटिंग प्रोफेसर, एक्सएलआरआई ने उनको बुलाया, तो हम लोग उनको जाकर मिले और उन्होंने कहा कि किस ढंग से वो संगठन शुरू किया अहमदाबाद में और उपभोक्ता संगठन कैसे चल रहा है देश में। उन्होंने हम लोग को सब विवरणी दिए और वो वापस जाने के बाद हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे कि कैसे संस्था रजिस्टर करना चाहिए, कैसे संस्था चलाना चाहिए, कैसे उसका एक लीगल फेस होनी चाहिए, सारे चीज मनु भाई शाह ने बताया। और हम लोग एक निर्णय लिए 6-7 लोग मिलकर कि अब इस संस्था को हम लोग को जमशेदपुर में शुरुआत करना चाहिए और हम लोग शुरू किए 6-7 लोग मिलकर। आप जब गाड़ी बनाते हो और उसको जब रास्ते में रखते हो चलाने के लिए, तो पहला काम होता है कि गाड़ी में ईंधन डालना, पेट्रोल कहां से लाओगे आप, गाड़ी तैयार हो गया, अब हम लोग को ईंधन का जरूरत है गाड़ी को आगे चलाने की। तो जो 7 लोग जुड़े वो सारे 7 लोग 100-100 रुपया दिए अपने पॉकेट से निकाल, और पहला काम हम लोग ये किए कि एक बैंक अकाउंट खोले पंजाब एंड सिंध बैंक में, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक से हम लोग का ताल्लुका था और हम लोग पंजाब एंड सिंध बैंक में एक अकाउंट खोले और फिर अपना ट्रस्ट डीड बनाया कि कैसे ट्रस्ट होना चाहिए। मनु भाई शाह के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बायलॉज बनाए और उसको हम लोग रजिस्टर किए, बैंक अकाउंट खोले, उसमें 700 रुपया डाले और गाड़ी चलना शुरू हुआ। कैसे? हम लोग सोचे कि इसका उद्घाटन होनी चाहिए। उद्घाटन कैसे करेंगे? नेचुरली कोई इंपॉर्टेंट वीआईपी को बुलाना चाहिए उद्घाटन के लिए, ताकि मीडिया भी कैप्चर करे, ताकि पता भी लगे लोगों को जमशेदपुर में कि एक उपभोक्ता संगठन शुरू हुआ है। तो हम लोग डॉक्टर आर एन शर्मा थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे टाटा स्टील के, उनको इनवाइट किए एंड ही वाज वेरी सीनियर ऑफिसर और उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया और हम लोग अपना संगठन का उद्घाटन किए 1983 में। जब उद्घाटन किए और काम शुरू हुआ, आप लोग ताजुब हो जाएंगे कि हर जगह से जब मीडिया में वो छपा कि ऐसे संस्था शुरू हुआ, दिल्ली से लेकर सब जगह से लोग हम लोग से जोड़ने लगे। अब उनको कैसे पता लगता था, कैसे उनको, क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इंटरनेट नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी प्रचार एक ऐसी चीज है लोगों के थ्रू से लोग तक पहुंचने लगे। और 1984 में फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट
एक नेशनल सेमिनार पे वो ऑर्गेनाइज की एक नेशनल सेमिनार, उसमें हम लोगों को इनविटेशन मिला। तो हम नेचुरली जमशेदपुर में एक छोटी सी एक शहर में एक छोटा सा एक साल भी नहीं हुआ एक संगठन शुरू किए हैं। हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से इनविटेशन आया कि आप प्लीज आइए इस पे आप भाग लीजिए इस कार्यक्रम में। तो काफी मतलब उत्साह आया कि देखिए लोगों तक पहुंच गया खबर, दिल्ली तक खबर पहुंच गया कि हम लोग यहां हैं। और वो फर्स्ट 1984 में जब हम पहुंचे वहां उस सेमिनार में तो कई लोगों से मिले, बड़े बड़े संस्थाएं जैसे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, बिंदु माधव जोशी, उनसे मिले कई लोग, हमारे दोस्त कई जयपुर से, कोई कलकत्ता से, फॉर्मर एमपी कलकत्ता से जो संगठन फाउंड किए थे कलकत्ता में वो भी थी, सारे इंडिया से, दाल भाई करके एक गांधीयन जो कंज्यूमर मूवमेंट में चेन्नई से वो भी रहे, जाजी मंदना जी बैंगलोर से, तो करीब हम लोग 20-25 लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए 84 में और ये संस्था शुरू हुई, ग्रुप शुरू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचने लगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे कुछ होनी चाहिए। उस समय कोई डिपार्टमेंट नहीं था कंज्यूमर अफेयर्स का, वो फूड एंड सिविल सप्लाईज में ही चलता। वहां से जो शुरुआत हुआ जैसे दिल्ली में कैलाश रिखी फेडरेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रेसिडेंट रहे, तो ऐसे कई संस्थाएं रहे इंडिया में, यहां से हम लोग शुरुआत की। लेकिन सबसे टर्निंग पॉइंट हुआ 1986 में जब सरकार ने ये नीति लिया कि हमको एक एक्सक्लूसिव कानून बनाना चाहिए कंज्यूमर, और इसके लिए आई मस्ट टुडे कन्फेस टू यू ऑल, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम लोगों को उस समय एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर मिला था जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर था कंट्री का एवर, श्री राजीव गांधी। क्योंकि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे जब दिल्ली गए 84 में 85 में अचानक उनके साथ मुलाकात हो गया और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को क्या एक चीज चाहिए जो आप चाहते हैं कंज्यूमर के पक्ष में होनी चाहिए। तो हम लोग कहे कि एक कानून होनी चाहिए जिसमें कानूनी हक होनी चाहिए कंज्यूमर, जिसमें कानूनी रूप होनी चाहिए कि कैसे उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। हम लोग उनको कहे कि हम लोगों को किसी को जेल नहीं भेजना है, हमको किसी को फाइन नहीं करना है, लेकिन यदि हमारा क्षति हुआ है उसका पूर्ति होनी चाहिए, क्षति की पूर्ति होनी चाहिए। हम लोग ऑलवेज इस पे विश्वास किए और उसी को लेकर आगे बढ़े कि यदि उपभोक्ता 100 रुपया से भी एक सामान खरीद रहा है उनको 100 रुपया का कीमत का वैल्यू मिलनी चाहिए, अनिवार्य है। और यदि उसको नहीं मिल रहा है तो या तो उनको ऑप्शन दीजिए कि उनको 100 रुपया आप वापस कर देंगे या उनको एक्सचेंज करेंगे उस प्रोडक्ट के साथ साथ जिसका गुणवत्ता 100 रुपया से भी अधिक हो। और वहां से हम लोग का 1986 से शुरुआत हुआ। और आपको ये जानकर खुशी होगी और हमारे परिवार के आरजेएस परिवार के सारे लोगों को मालूम, क्योंकि हम कई बार इसको उनके बीच में चर्चा भी किए हैं कि बिहार फर्स्ट स्टेट जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पालित किया बिहार। लोग बड़े ताज्जुब हो गए, पीपल वर सरप्राइज्ड हाउ बिहार हैज कम एज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड आई मस्ट कन्फेस हियर इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर श्री बिंदेश्वरी दुबे हु वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और उन्होंने ये निर्णय लिया जैसे हम उनके साथ मिले वो बोले वी विल इमीडिएटली
नोटिफाइड। और हम आपको जैसे कहानी सुनाए हैं पहले भी, आज भी हम दोहराना चाहते हैं कि जस्टिस आर एन ठाकुर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने बिहार स्टेट कंज्यूमर स्टेट कमीशन के, उन्होंने अपने घर के वरांडा से सिटिंग शुरू कर दिया और उन्होंने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। उनके साथ मेंबर्स थे श्री के श्रीवास्तव जो मुख्य सचिव थे बिहार सरकार के, आप लोग जानते होंगे उनको, एंड रमा देवी अ लेडी मेंबर रिप्रेजेंटिंग द सिटीजंस इन द स्टेट कमीशन, द फर्स्ट स्टेट कमीशन इन द कंट्री स्टार्टेड इन पटना बिहार एंड द वर्क स्टार्टेड। एंड साइमल्टेनियसली जस्ट आफ्टर बिहार ब्रॉट द स्टेट कमीशन, उसी उसके आसपास सेंट्रल नेशनल कमीशन दिल्ली से शुरू हो गया जस्टिस इराडी के नेतृत्व में और सुनवाई शुरू हो गई, लोग आने लगे। जितने हम लोग जुड़े हुए थे कंज्यूमर मूवमेंट में, हम लोग उन लोग के सामने जाने लगे कोई ना कोई केस लेकर। ऑफकोर्स हम लोग काफी उस समय मैच्योर्ड नहीं थे, उस समय उतना हम लोग के पास हुनर नहीं था, तो कई बार हम लोगों को वकीलों का मदद लेना पड़ता था, कई बार हम लोगों को दूसरे एक्सपर्ट से मदद लेना पड़ता था, लेकिन हारते थे, लेकिन बात जरूर सामने रखना हम लोग प्रयास करते थे। और वो जो शुरुआत हुआ 86 से, वहां से जागरूकता उपभोक्ता आंदोलन का शुरू। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों सबको मालूम है कि वी लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, बट नरसिम्हा राव जब टेक ओवर किए 90s में, उन्होंने भी बहुत बहुत ही अहम रोल दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और हम लोग के साथ एक बहुत ही सक्रिय रूप से एक मंत्री थे जो अभी भी हैं, एंथनी जी, एके एंथनी, वो मंत्री थे कंज्यूमर अफेयर्स। और उसी समय सारे चेंजेस होने लग गए, जो शुरुआत 86 से शुरू हो गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ कई कानून में बदलाव लाया राजीव, जिसमें इंस्पेक्टर्स के रोल सिटीजन्स को दिया गया, हर एक सिटीजन एक इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर राज को तोड़ना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि पावर लोगों तक जाए, लोग सामने आए, पंचायत का मतलब स्ट्रेंथनिंग शुरू हुआ वहां से। और हम लोग सब इस बात पे आगे बढ़े कि अब हम लोगों को लोगों तक जागरूकता पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आप एक आंदोलन का रूपरेखा नहीं तैयार कर सकते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 90s में जो हम लोग शुरू किए वॉज दैट वी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट कंज्यूमर्स शुड नाउ स्टार्ट हैविंग सच लॉज इन द कंट्री which will not only give them the recognition, but will empower them to assert their rights in the most responsible manner. So 90s से कई law में सुधार आने लगे, और सबसे ज्यादा जो turning point हुआ, you know, in terms of consumer protection movement in the country was in 1992. जब कंज्यूमर वेलफेयर फंड बना। कंज्यूमर वेलफेयर फंड किस चीज से बना? यूसी कई बार ऐसा होता था कि लोग आपसे एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा चार्ज कर दें, कई कंपनीज, और वो एक्साइज ड्यूटी पे वो लोग कानूनी रूप से लड़कर वो एक्स्ट्रा पेमेंट को वो लोग रिफंड लेते थे गवर्नमेंट से, और वो अपने पास रखते थे। और आप लोगों सबको मालूम होगा कि वो जो एक्साइज ड्यूटी है वो हर प्रोडक्ट में कॉस्ट में जोड़ा जाता था। इनफैक्ट हम लोगों के बीच में वरिष्ठ लोग हैं जो आप लोग पहचानेंगे बाद में, हम नाम से नहीं पुकारेंगे, जो हेड रहे गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में, वो भी आज हम लोगों के बीच में है। वो हमारे संस्था के एक बोर्ड मेंबर है, बहुत सक्रिय बोर्ड मेंबर। उनको मालूम होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक्ट में कानूनी
तहत कंज्यूमर वेलफेयर फंड 1992 में बना, और वो इसलिए बना क्योंकि जो भी ड्यूटीज या जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट कमा रहा है, जो उपभोक्ताओं का पैसा है, जो उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया है, वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में आनी चाहिए और वो आने लगा। उसमें कमिटी बने, कई मीटिंग्स में हम भी अटेंड किए दिल्ली में, और 94 में हम जमशेदपुर से दिल्ली आ गए। कब किसको कहां ले जाता है किसी को नहीं मालूम। 43 इयर्स हम जमशेदपुर में रहे, 1951 से लेकर 1994 में हम दिल्ली आए, 27 साल हम दिल्ली में बिताए, लास्ट ईयर अगस्त में हम हैदराबाद शिफ्ट किए। और जब कंज्यूमर वेलफेयर फंड शुरू हुआ, हम लोग चर्चा शुरू किए, हम दिल्ली आ गए और एक संगठन बना था जिसका नाम था कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। इनफैक्ट कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हमारे देश में कि एक एक अकेला सेंट्रल संगठन बननी चाहिए, लेकिन ठीक है, हम भी समझते हैं जैसे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कई संगठन है हमारे देश में, वैसे ही इंडिया में भी कई संगठन होनी चाहिए कंज्यूमर के हित के लिए। लेकिन एक वॉइस में हम लोगों सबको आना चाहिए, ये हम लोगों का लक्ष्य रहा, ये हम लोगों का उद्देश्य रहा, जिसके चलते हम लोग कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल गठन किए। और वो भी इसलिए गठन हुआ, आप लोगों को बता दें, क्योंकि विदेशी पैसे आए, जर्मन एक पॉलिटिकल पार्टी, लिबरल पार्टी, उनके जो फाउंडेशन है, चैरिटी है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में उनका एक फाउंडेशन होता है, और वो लोग वर्ल्ड भर में चैरिटेबल वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं थ्रू दोज फाउंडेशंस, द पॉलिटिकल पार्टीज। उसी ढंग से जर्मनी के लिबरल पार्टी के जो फाउंडेशन है फ्रेडरिक न्यूमैन स्टिफ्टन, उन्होंने एक निर्णय लिया 1982-83 में, अब उस समय हम जमशेदपुर में थे जब हमारे संगठन भी मेंबर बने, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर मेंबर बने, सेंट्रल कंज्यूमर सीसीसी कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मेंबर बने। और कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल एक रजिस्टर्ड बॉडी बना जिसका नेतृत्व मिस्टर एचडी शौरी की, वो भी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे और वो एक संगठन चलाते थे कॉमन कॉज, जो लोगों का पेंशन को लेकर ग्रीवेंस रिड्रेसल करते थे। उन्होंने ब्रांच ऑफ किया कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे भी काम करेंगे। सॉरी साहब ने निर्णय लिए कि हम केवल पेंशन पे नहीं काम करेंगे, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे भी काम करेंगे। चूंकि वो दिल्ली में थे तो मनु भाई शाह और कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और दिल्ली के कई संस्थाएं, सारे संस्थाएं सब मिलकर, हमारे जमशेदपुर के संस्थाएं उनके साथ जुड़कर हम लोग कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल शुरू किया 1982 में। इनफैक्ट रजिस्टर्ड हुए 1993 में, और वहां से हम लोगों का काम शुरू हुआ दिल्ली में। तब तक हम भी दिल्ली आ गए 94 में। सो द मेन वर्क हम लोग स्टार्ट किए 90s में कि कैसे कानूनी बदलाव आ सके। और सॉरी साहब वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाए। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक बहुत ही अहम एक रोल प्ले किया है, आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि कई संस्थाएं जो आरटीआई पे बिलीव करता है और जो आरटीआई को प्रोडक्टिवली यूज करता है, कंस्ट्रक्टिवली यूज करता है, उनको मालूम है कि वो कितना अच्छा एक औजार है हम लोगों के सामने गवर्नेंस को लाने के लिए। सो 90s पूरा हम लोग बिताए कानूनी बदलाव लाने के, कंज्यूमर वेलफेयर फंड से शुरू हुआ। आपको मालूम होगा कि
जो दवाई आप खरीदते हैं उनका कुछ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो प्राइस कंट्रोल में आता है अंडर द डीपीसीओ, और गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन कई कंपनीज हैं जो आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेता है। मेनी कंपनीज वायलेट दैट नॉर्म ऑफ प्राइस कंट्रोल एंड देन द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन ऑन देम टू रिकवर दैट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम देम। और जब वो एक्स्ट्रा पैसा वो लोग ले लेते हैं वो आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं सरकार। जितना एक्स्ट्रा मनी वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं आज भी जिसपे मतलब डिमांड चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, करीब 8000 कुछ करोड़ गवर्नमेंट के सामने बकाया है। और ये जो पैसा आता है ये पैसे फिर चले जाते हैं गवर्नमेंट के खाते में लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाता। तो अगेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट ऑल दिस, जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, जो डिमांड, जो अन अकाउंटेड पैसे हैं, जहां लोग मर गए हैं या उनके परिवार के लोगों को मालूम नहीं है कि वो पैसे छोड़कर गए हैं, उसी ढंग से कई संस्थाएं में इस ढंग के पैसे पड़े हुए हैं। बैंक से लेकर कॉर्पोरेट्स के पास भी जब शुरू हुआ कई कानूनी बदलाव 90s में, जहां पर ये सारे पैसे को किस ढंग से यूज किया जा सकता है, कैसे फंड बन सकता है, कैसे उसको कंज्यूमर के पक्ष में यूज हो सकता है, उस पर चर्चा शुरू हुआ। लेकिन हर समय हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बार बार अमेंडमेंट लाने पे हम लोग ऑलवेज जुटे रहे। आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव हैपेंड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इनफैक्ट आप लोग कुछ सबको मालूम होगा कि अब एक नया कानून ही मोदी गवर्नमेंट ने ले आया है, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन इन ब्रीफ हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जब 20s आया, 20 से हम लोग ये शुरुआत करने का शुरू किए कि कैसे हम लोग इंडिया के कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को एक एक ऐसा रूप दिया जाए जहां पर हम लोग के प्रतिनिधि सब जगह पे रहे। तो क्या हुआ कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी वो लोग कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करने लगे, रेगुलेटर, बैंकिंग सेक्टर में भी अपॉइंट करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज में कंज्यूमर के साथ संपर्क शुरू हुआ, कानून बदले, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बना, उसमें हमको मेंबर बनाए 2008 में, हम फूड सेफ्टी अथॉरिटी में फर्स्ट मेंबर रहे जो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट किए एज पर लॉ, क्योंकि वो कानून 2006 में शुरू हुआ। फिर एडवाइजरी कमिटीज बने, कई कई चर्चे में ये काम शुरू हुआ। उस समय हम लोग सब महसूस किए, स्पेशली 2010 में, और हम अपना आखिरी बात रखने का कोशिश करेंगे क्योंकि कई लोग जो हमसे जुड़े हैं 2010 से वो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी जुड़े, हम बहुत आभारी हैं पॉजिटिव मीडिया का कि आपने हमको ये मौका दिया कि हमारा ये 40 साल का जर्नी 40 मिनट में हम कैसे बताएं। हम चाहेंगे कि इस ढंग का परिचर्चा रेगुलरली हो ताकि हम लोग को एक समझ में आए कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए उपभोक्ताओं के पक्ष में और उसको कैसे हम लोग उपलब्ध करेंगे। इस पे रेगुलर चर्चा करना बहुत अनिवार्य है आज के दिन, बिकॉज आई स्ट्रॉन्गली फील दैट इफ पीपल लाइक यू हु आर नॉट ओनली कमिटेड, बिकॉज ईच वन ऑफ यू, हम सबको जानते हैं एक एक करके,
हर एक व्यक्ति जो आज जुड़े हैं, आप लोग सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में एक आकार में आप जुड़े हैं उपभोक्ता आंदोलन के साथ, और आप लोग कमिटेड हैं, इसलिए संडे को भी आपने समय निकालकर 11 बजे इसमें भाग ले रहे हैं। संडे को तो लोग नॉर्मली परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन आपने सोचा कि नहीं चलिए उपभोक्ता आंदोलन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जुड़े, और आप लोग जुड़े हैं, बहुत आभारी हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं 2010 में हम लोग ये निर्णय लिए कि आप देश के नागरिकों का स्वास्थ्य को लेकर कुछ काम करना चाहिए। इनफैक्ट हमको, हम मशेलकर कमिटी में रहे 2002 में, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई उपाय से हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ हमारा कुछ ना कुछ एक चर्चा ऑलवेज रहा, और हम ये जरूर बताएंगे कि जब हम दिल्ली आए और दिल्ली में हमारे जितने संगठन हैं उनके साथ आप जुड़े, और दिल्ली में जितने हमारे बंधु लोग उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे वो लोग सब बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए, और हमको ऑलवेज वो अपॉर्चुनिटी दिया। और दिल्ली आने के बाद करीब 35 से भी ज्यादा कंट्रीज विजिट की, कोई ना कोई डेलीगेशन में, कोई ना कोई यू नो कमिटीज के डेलीगेशन में, और उससे हमको जो एक्सपोजर हुआ, और हम ये ऑलवेज लोगों को कहते हैं कि जब तक आप अपना घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे हम जमशेदपुर से यदि हम दिल्ली नहीं आते तो हमको जो अपॉर्चुनिटी मिला दिल्ली में वो हमको नहीं मिलता। वैसे ही जैसे दिल्ली से अभी हम हैदराबाद आए हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमको हैदराबाद देगा हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमको जमशेदपुर और दिल्ली नहीं दे पाए। तो हम ऑलवेज नए जगह खोजते हैं। यदि आपके डेस्टिनी में है तभी आप जाएंगे, लेकिन प्रयास ये ऑलवेज होना चाहिए कि घर से बाहर निकलकर जरूर देखिए कि क्या हो रहा है और सीखने का कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ा हमको शिक्षा जो विदेश में मिला कि कभी भी विदेशी चीजों को आप ऑलवेज अपनाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप फेलियर हो जाएंगे। उससे शिक्षा लेने का कोशिश कीजिए और उसको उस ढंग से अपनाइए कि वो हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए वो एक सहूलियत हो। वर्ल्ड का बेस्ट स्टैंडर्ड जब बनता है, और हम क्वालिटी के साथ काफी जुड़े हुए हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में हम काफी सक्रिय भाग लेने का कोशिश करते हैं, क्वालिटी पे हम बहुत ध्यान देते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में ध्यान देते हैं। तो हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि वो जो चीज खरीदता है उसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, मानक है कि नहीं, बहुत जरूरी होता है। और मानक के साथ साथ आप खुश हैं कि नहीं उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दैट इज क्वालिटी। आप यदि खुश नहीं है, आप जितना भी बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी आप बना दीजिए, वो क्वालिटी जीरो है जब तक कंज्यूमर खुश नहीं, ये हम मानते हैं। सो अब हम लोग ध्यान देते हैं स्वास्थ्य को लेकर एंड फूड सेफ्टी को लेकर, हेल्थ का सेफ्टी और फूड का सेफ्टी, उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। बट ऑफकोर्स अभी जैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो 2014 के बाद जब ये नया सरकार आया, उन्होंने एक जो अपना मैनिफेस्टो में डाला, हम लोग ने 10 चीज उनको रिक्वेस्ट किए थे डालने के लिए स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन एक जो चीज द प्रेजेंट गवर्नमेंट जो डाले, इनफैक्ट द पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर वो अपना मैनिफेस्टो में डाले, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमारे सारे बंधु, हम आपको ये बताना चाहेंगे एंड हम उसको कहकर हम अब अपना क्लोज करना चाहेंगे, हमारा 40 साल का जर्नी 40 मिनट में,
कि कंज्यूमर का सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमको सही गुणवत्ता का स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है, और वो स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि कोई चीज मुफ्त में नहीं आता है, तो यदि हम टैक्स पे कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से, या यदि हम खुद पे कर रहे हैं या हमारे इंश्योरेंस कंपनी पे कर रहा है, तो हमको वो सेवा उस ढंग से मिलनी चाहिए बर्थ से लेकर डेथ तक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर अब हम लोग को सबको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम आप लोग सबसे सुनना चाहते हैं कि क्या प्रायोरिटी नेक्स्ट वन ईयर नेक्स्ट फाइव इयर्स होनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज हम जो लास्ट कहना चाहेंगे कि हर चीज सरकार के ऊपर मत डिपेंड कीजिए। हमने आपको 700 रुपया का एक उदाहरण दिए थे जब हम शुरू किए ईंधन, लेकिन 700 रुपया आपको 40 साल तक नहीं चला सकेगा, हर समय आपको पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए। आप अच्छे से अच्छा मर्सिडीज भी खरीद लीजिए, लेकिन यदि आपके पास पेट्रोल का पैसा नहीं है वो मर्सिडीज भी कूड़ा हो जाए। तो चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए उस ईंधन के लिए आपको ऐसा एक रूपरेखा बनाना चाहिए, जैसे हम लोग पॉजिटिव मीडिया के थ्रू से बना रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस उदय मन्ना जी, आपने इतना मतलब सही रूप से हर संडे को विदाउट फेल आप इसको सस्टेन कर रहे हैं। रियली आई सल्यूट यू एंड योर टीम, एक्सेलेंट वर्क यू आर डूइंग, बिकॉज हमने भी ये महसूस किया कि आप यदि अच्छा काम करोगे पेट्रोल की कमी कभी नहीं होगी। कई लोग हैं, हम विदेश में भी यही देख रहे, विदेश में क्या सीखा कि जितने स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो चलता है लोगों का दान पे, और लोग केवल एक टाइम दान नहीं करते हैं, वो लोग लाइफ भर के उनका जितना पूंजी है वो भी वो लोग गिफ्ट कर देते हैं स्वयंसेवी संस्थाओं को। और हम लोगों को सीखना चाहिए यू नो किस ढंग से, क्योंकि हम जब जमशेदपुर में पढ़ाई किए लॉयल स्कूल में, तो हम हमारे पादरियों से सीखे जो अमेरिका से आकर इंडिया में शिक्षा दिलाया, स्वास्थ्य दिलाए और प्रचार भी किए, बाइबल का प्रचार भी किए, लेकिन प्रचार के साथ साथ वो लोग सेवा भी किए। ये हम सीखा लॉयल स्कूल जमशेदपुर से। फिर हम चले गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर मालवीय जी से सीखे। मालवीय जी ने एक एक ईंटा बीएचयू के, और बीएचयू जब आप जाएंगे तब आपको महसूस होगा क्या विजन थे उनका, क्या सोच रहा उनका, क्या एक शिक्षा बनाए उन लोग, संस्थाएं बनाए हायर एजुकेशन का। उस दिनों में वो एक एक ईंटा लोगों से भीख भीख मांग कर उन्होंने बनाया। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया, जैसे लॉयल स्कूल जमशेदपुर हमारे लिए किया, बीएचयू ने भी। और टाटास, जब हम जमशेदपुर फिर वापस आए, जमशेदपुर ने टाटास ने क्या सिखाया कि केवल स्टील बनाना मत कीजिए, स्टील बनाने के साथ साथ लोगों का सेवा भी सोचिए। और जमशेदपुर में ऑलवेज ये स्लोगन था, पहले रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों का खेलने के लिए मैदान बनाओ। जमशेद जी टाटा जी, उन्होंने जमशेदपुर बनाया, उन्होंने अपने मेमोर में लिख के गया कि वो बोले कि स्टील प्लांट बाद में बनेगा, पहले रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, मार्केट बनेंगे, फिर स्टील प्लांट बनेगा। जब तक आप, और ये भी हम देखा जब हम नीति आयोग के साथ काम किए, अभी भी कर रहे हैं, और जब वो प्लानिंग कमीशन जब जागो ग्राहक जागो के लिए रकम दिया और कंज्यूमर वेलफेयर फंड से रेगुलरली पैसे देने लगे, वहां भी हम देखे कि चेन्नई तमिलनाडु वॉज द स्टेट
which got the maximum foreign donations. And Tamil Nadu was the state which got the maximum FDI in the country. तो ये एक मतलब एक तंत्र है कि आप कहीं पर भी अच्छा काम यदि करना चाहोगे पहले आपको सामाजिक सेवा का गठन करना बहुत जरूरी है, तभी व्यापार चलेगा, तभी उन्नति होगा, तभी प्रोग्रेस होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर हम सिटीजन्स के लिए नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्लेइंग ग्राउंड्स फॉर चिल्ड्रन, लाइब्रेरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लेबोरेटरीज, तब तक हम लोगों का प्रोग्रेस नहीं होगा। और इंडिया आज दिखा रहा है ये जो पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड के चलते कई शिक्षा हम लोग उपलब्ध की जिसके लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू क्लोज बाई सेइंग that I first want to thank each one of you who took time to come, who have given me enormous support, each one of you, and has given me directions in many times where I feel very lonely or I don't get an answer or a solution. Because I always feel that in order to gain or do something for the country, you should always be a solution provider, not a part of a problem. You should always make sure that you give the best quality service to the citizens. Hum always koshish karte hain ki hamara phone 24/7 chalte rahe. लोग हमसे संपर्क करते रहे, लोग ऑलवेज सुझाव देते रहे ताकि हम सोल्यूशन प्राप्त करें। और हम हमारे परिवार के, आरजीएस परिवार के हमारे जितने लोग आज जुड़े हैं, हम फिर से एक बार सबको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आकर हमको ये मौका दिया और हम अपना बात को सामने रखें। और हम उम्मीद करते हैं हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे रेगुलरली, जो हम लोग मिलते हैं छोटे छोटे ग्रुप में मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं बहुत रेगुलरली मिलते हैं, लेकिन इस ढंग के ओपननेस ग्रुप में जहां जो भी हमारे कांटेक्ट में है या हमारे दोस्त के कॉन्टेक्ट में रहे, हम लोग इसको प्रचार किए और लोगों को बुलाए और इन्वाइट किए आज का परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और हम बराबर चाहेंगे कि उपभोक्ता को जब तक आप सुरक्षित नहीं महसूस करवाओगे, उपभोक्ताओं को अपना वैल्यू फॉर मनी नहीं दोगे, वो कंट्री कभी प्रोग्रेस कर नहीं सकता है। कंट्री तब प्रोग्रेस करेगा जब आप नागरिकों को सही ढंग से, सही रूप से उनको, उनके अंदर में एक विश्वास पैदा करा सकते हो कि हम लोग सब एकत्रित होकर, जिनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, जो लोग हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सबको हम लोग के साथ जोड़ना अनिवार्य है। और हम ये कहते हुए आपको कहेंगे कि कई पॉलिटिशियंस, कई ब्यूरोक्रेट्स जो मेरे 40 साल के जर्नी में हम मिले, जो आज भी जुड़े हैं हमारे साथ इस परिचर्चा में, कई लोग तो चले गए जैसे मानसिंह साहब, डॉक्टर अग्रवाल, और कई लोग जो हम लोग के बीच में रहे, जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिए, लेकिन आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो वैल्यू सिस्टम था, उनका जो सोच रहे, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल, बहुत आप एकदम गंभीर एक फेस लेकर बैठे हैं, अभी थोड़ा सा मुस्कुराहट तो लाइए ताकि हम सबको मतलब उस नजरिया से देखें कि आप लोग भी इससे जुड़ रहे हैं और हमको जैसे आप लोग एनकरेज करते रहते हो, वैसे ही एनकरेज करते रहिए ताकि हम लोग सबको वो कीमती वस्तुओं का जो हम खरीदते हैं उसका रियल वैल्यू मिले। हम लोग बहुत हार्ड वर्क करके अपना
कमाकर हम लोग अपना प्रोडक्ट और सर्विस को उपलब्ध करते हैं। और हम देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो हम रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज हर एक व्यक्ति, मन्ना जी हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट एक मिनट जरूर दीजिएगा, उनका सोच हम लोग सुने आज का परिचर्चा में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सब लोगों की तरफ से आपको बिग थैंक्स प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, आज आपने जो मोटिवेशन दिया है, पहली बार इतने लंबे स्पीच में, हम लोगों को तो स्पीच लग ही नहीं रहा था, हम और श्रीमती बिंदा मन्ना जी तन्मयता से आपकी बातों को सुन रहे थे, और आपने तो भारत में जिस तरह से अलख जगाई, लेकिन विदेशों से भी जो कुछ सीखा, अलग अलग जगहों पे जो कुछ भी सीखा, तो आप तो एक भारत के मिसाल है, और ये आरजेएस फैमिली इसलिए गर्वान्वित है, और आज जितने भी लोग हैं जुड़े हुए उन्होंने देश के लिए आज काम किया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें भी अगर उनके मन में आती हैं तो आगे चलकर वो भारत में प्रेशर ग्रुप का काम करेंगी, और कोशिश ये करें कि गृहिणियां जो जुड़ी हुई हैं उससे बहुत ज्यादा उपभोक्ता आंदोलन, हम लोगों को गृहिणियां को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रसोई का जो कार्यभार है और महंगाई का जो असर है और उपभोक्ता कहाँ ठगा जाता है, सबसे ज्यादा पीड़ित हमारे घर की गृहिणियां होती हैं। देखिए ना, हमारे स्कूल के दोस्त हैं, जुड़े हैं, पद्मजा जी और प्रकाश सुखात्मे जी जुड़े हैं, दोनों दोनों साथ में बैठे हैं। चलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई। स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं। वेरी गुड। और जमशेदपुर से आपका जो रिश्ता है वो निश्चित रूप से वहां दिख भी रहा है, काफी लोग जमशेदपुर से जुड़े हैं, कुछ ओवरसीज से जुड़े हैं, आरजेएस फैमिली के दीपा भूषण जी जुड़ी हुई हैं वहां अमेरिका से, और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की सबसे पहले विश्व में जो है अमेरिका में घोषणा हुई थी 1962 में, और उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता जो हैं वो राल्फ नादेर जी हैं, जिन्हें की उपभोक्ता आंदोलन का पिता कहा जाता है। डॉक्टर रमैया जी जुड़े हैं जो राल्फ नादेर यूएसए से हैं, वो वेरी गुड, वेरी गुड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से जिस तरह से उपभोक्ता आंदोलन के जनक अगर कहें तो राल्फ नादेर जी हैं, और उसी तरह से भारत में मुझे लग रहा है प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी काफी आपने काम किया है, तो आपके काम पर निगाह जो है वो पूरे उपभोक्ता आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों को है, और कई लोग रेज हैंड्स भी कर रहे हैं, मुखर्जी जी हैं और तमाम लोग हैं, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं वन बाय वन जो लोग विशेष विशेष बात करना चाहते हैं वो एक मिनट के लिए प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ताकि सभी लोगों को मौका। वैसे तो हमें लग रहा है जैसा बिजोन मिश्रा जी ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों पे लगातार बात होनी चाहिए, तो अगला सेशन हम लोग अभी से आप लोगों को बता दें, और बिजोन मिश्रा जी का समय अगर मिल पाए तो हम लोग अगला एक कार्यक्रम उपभोक्ता अधिकारों पे समस्या से समाधान पर रखेंगे, और उसमें प्रश्नोत्तरी को लंबा कर देंगे, जिससे कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाए, और मन में जो भी जिज्ञासा है तो जो अनुभवों का खजाना लिए हुए हैं प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, तो उस खजाने में से थोड़ी थोड़ी हम लोगों को भी वो आशीर्वाद मिलता रहे। मन्ना जी, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे प्रोफेसर रमैया जी यूएसए में अभी मध्यरात है, इस ढंग के लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाए बोलने के लिए, क्योंकि उनको अब सोने बिल्कुल 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 रमैया जी सोए, बिल्कुल सीधा सीधा आमंत्रित करते हैं। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रोफेसर रमैया जी प्लीज। रमैया जी 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 प्लीज, स्वागत है रमैया साहब, अनम्यूट एंड कम, प्लीज अनम्यूट एंड कम। Okay, yeah. Can you hear me now? Yes, yes, very much. Oh, but thank you very much for giving the opportunity to be part of your organization and listen to this first time a long lecture by Professor Mishra ji. I'm very fortunate to hear that one, and I hope I would like to hear more and more as time goes by. And I hope Dr. Mishra ji would give that opportunity to me and participate
not only with you and the rest of the people who are a team in this webinar. Thank you very much. You must tell people that you're working on rare disease patients. Yes, I have been working with the rare disease patient for the last 16, 17 years. And in India, rare disease is really unknown to a lot of people. And we really need a lot of awareness to be raised. And the consumers don't know what these are all. And I have spoken to many times to Mishraji that, you know, rare disease patients are also consumers. And please don't ignore them and include in your mission. And I think right now, as I mentioned to Dr. Mishraji before, the at least government is now listening. I don't know whether they are going to do anything, but I think with all your support, and I think you can help them, you might know that there are more than 7,000 rare diseases are known today, and 90 million people are suffering with it. There are no medicines. Most of the patients are children. You know, they don't even see their fifth birthday. Unless you experience physically. So, Uday Vandaji, you should keep one discussion on rare disease patients. Rare disease patients. Okay, noted, sir. Ramayya sir, noted. Thank you. Thank you very much. I hope. Praful bhai. Praful ji, swagat hai. Go ahead. Thank you, sir. Thank you. Good night. Vande Mataram, sir. वंदे मातरम. आपने जो शुरुआत जैसे करी सर की उपभोक्ता से नकारात्मक से सकारात्मक एक एटीट्यूड आनी चाहिए तो आई थिंक वी कांट फाइंड अ बेटर पर्सन देन प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा बिकॉज आई टॉक टू हिम एवरी मॉर्निंग एट 9 o'clock एंड द वे इट गोज इज ऑल पॉजिटिविटी एंड असर्टिवनेस. मैं बिजॉन साहब को पिछले 10 साल से जानता हूँ और ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत हुई थी क्योंकि मैं भी अपने काम में से निवृत्त हो रहा था. तो उसी टाइम मैंने एक उनके सामने एक प्रश्न किया कि बिजॉन दा, ये जो हॉस्पिटल है बनारस में, एक 50 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या किया जाए, उसकी परिस्थिति उनको समझाई. तो उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह आपके घर आऊँगा और आपसे बात करेंगे. और उन्होंने ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से कवरेज की मेरे साथ बात करी और पूरा का पूरा उसने फ्रेमवर्क बता दिया कैसे करना चाहिए. 15 से लेकर 17 तक हमने काम किया उनके साथ और बड़ा कुछ सीखा. और ये जो जन औषधि की जो बात आप सुन रहे हैं, ये जन औषधि पहली बार लगाई उन्होंने और वो सेल था उस टाइम जन औषधि का, जिसमें जेनेरिक मेडिसिन सरकार प्रोवाइड करती है, बेचते हैं, तो उसमें हमारा सेल 1 लाख रुपए का भी नहीं था. आज बिना कोई प्रोपेगेंडा प्रमोशन पे सेल हो गया है 6-7 लाख रुपए का महीने का और उसमें से भी हमें सरप्लस बचती है. और ये सबसे बेस्ट फार्मेसी जन औषधि इंडिया की घोषित कर दी गई है. तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो बात हम करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, जो हमने एक अपने ऑब्जेक्टिव बना के रखा है बिजॉन दा और मैंने, तो इसमें यही एक बात है कि हर साल हम बात करते हैं, बजट आ रहा है, यूनियन बजट आ रहा है, उसमें बात कर रहे हैं कि भाई कुछ करना चाहिए. ये छोटी छोटी बातों से काम नहीं होगा. हम लोग बात करते हैं तो कहता नहीं पैसे की हमें पास शॉर्टेज नहीं है, तो कुछ करिए ना, तो फिर आउटले बढ़ाइए. 1% से काम नहीं होगा, उसका 7-8% तक आउटले बढ़ाना पड़ेगा. कैसे बढ़ाए वो आपका बात है, लेकिन ये करना है तब ये जो बात हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कर रहे हैं तब उनको मिलेगी, हॉस्पिटल में सुविधा मिलेगी, नर्सिंग होम में मिलेगी, डॉक्टरों के पास मिलेगी, नर्सिंग के पास मिलेगी, फार्मेसी के पास मिलेगी. तो ये सब मन्ना साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपके सेमिनार में आके यहाँ पे. और ये फॉर्चुनेट थैंक यू सर. तो आपने जो कहा कि 7-8% बजट बढ़ाया जाए, जेनेरिक मेडिसिन को और ज्यादा प्रमोट किया जाए, तो निश्चित रूप से जब हेल्थ का हम लोग करेंगे तो उसमें इन बातों की चर्चा करके प्रेशर ग्रुप, और अब तो हम लोगों के बीच में ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री जी को सीधा खतो किताबत कर रहे हैं. जैसे राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस हम लोग 3 जनवरी को खतो किताबत किए हैं कि मतलब सावित्री बाई फुले जी के जयंती को 3 जनवरी को शिक्षिका दिवस एक नया ही. तो इस तरह से आप लोगों की बातों को आगे बढ़ाना ही सकारात्मक पत्रकारिता है मुझे जैसा लगता है.
और 6 साल से हम लोग इसी तरह की चीजें कर रहे हैं। तो प्रफुल्ल सेन जी थैंक यू। और नेक्स्ट नगेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित कर लेते हैं और काफी देर से वेट कर रहे हैं और एक मिनट में अपनी बात अगर करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिजोन मिश्रा जी जितने पॉपुलर है इसके लिए क्वेश्चन आंसर का समय बहुत छोटा पड़ गया है, लेकिन हम लोग बियॉन्ड द लिमिट जो है वो जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज कोशिश करेंगे। लेकिन आप निराश ना हो, प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि वो एक बार प्रश्नोत्तरी को लंबा करके हम लोग कार्यक्रम के। नरेंद्र प्रसाद सिंह जी आमंत्रित हैं आप, एक मिनट। आदरणीय बिजोन मिश्रा जी को सादर प्रणाम, सबो को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक एक लंबे अंतराल के बाद इस सेमिनार में शिरकत करने का मौका मिला। अभी जो जेनेरिक दवा की बात चल रही है, मैं उसमें अपनी बात को जोड़ता हूँ। खासकर अभी भी कोरोना का जो तीसरा लहर चल रहा है, ये दवाओं का काफी गड़बड़ी है। ऊंची कीमतों पर जो दवाएं बिक रही है, वो जेनेरिक दवा और ये ट्रेडिशनल दवा का घाल मिल के चलते पेशेंट काफी परेशान हो रहे हैं। तो उपभोक्ता के तो सारे सामानों पर नजर मिश्रा जी के 24 घंटे वाले कार्यक्रम से चल रहा है। इसको और थोड़ा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हम इंडो नेपाल बॉर्डर सीतामढ़ी से माँ जानकी की जन्मभूमि से बोल रहे हैं और इस अभियान से मैं वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। आगे भी जुड़े रहने हम आपके यहाँ गए हैं, सीतामढ़ी हम विजिट किए हैं सर। जी जी, फिर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं सर, आपको फिर से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और आया जाए और जागरूकता को थोड़ा एक गति प्रदान किया जाए। जेनेरिक दवा पर जो घाल मेल और टेंडर का जो गड़बड़िया है, इसको दूर किया जाए। जेनेरिक दवा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है इस इलाके में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटेड सर नागेंद्र, नोटेड। और फिर देखिए एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि बिजोन मिश्रा जी से डायरेक्ट आपकी बातचीत हो गई और सीतामढ़ी में आमंत्रण भी मिल गया है, तो उसकी रिपोर्ट जरूर दीजिएगा नागेंद्र प्रसाद जी, किसी तरह से हम लोगों तक पहुंचाइएगा। और नेक्स्ट जो है उनको भी आमंत्रित करना चाहें, प्लीज आ जाइए। आनंद पटवर्धन, आनंद पटवर्धन जी स्वागत है सर। यू हैव टू अनम्यूट एंड कम आनंद। आनंद अनम्यूट। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, गो अहेड। गुड मॉर्निंग बिजोन जी, नाइस टू सी यू, फ्रेश एज अ फ्लावर एज एवर। And very happy to see you so much involved with consumer activities even today, with the same zeal and with the same kind of, you know, cooperation and support of from every corner of this country. Bijon ji, 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं और Consumer Protection Act जिस तरह से चलना चाहिए वैसे तो हो नहीं पा रहा है। इसमें से इतने सालों में जो भी कठिनाइयाँ सामने आई हैं उसके ऊपर हल निकलने के बजाय जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आज 2019 में आया है उसमें और भी कठिनाइयां आ गई है। सालों साल मैटर्स चलते रहते हैं, इसके ऊपर एक चर्चा भी होनी चाहिए और एक सजेशन तौर पे गवर्नमेंट के साथ एक डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किए हैं और उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द वैकेंट पोजीशंस पे ऑलरेडी वो एक स्ट्रिंचर भेज दिया है, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अब बड़े जागरूक हुए हैं। पहले वो हो जाने दीजिए वो कार्यक्रम, फिर उसके बाद हो नहीं पा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, वो हो नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में तो पूरे कंज्यूमर कमीशन भी अभी ठप बन पड़े हैं, ये सिचुएशन आ रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट फटकारेगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी फटकारेंगे, आप मत चिंता कीजिए, जरूर करेंगे। प्रकाश जी आप भी हैं, आइए जी। प्रकाश जी और जुगल सलूजा जी अभी तैयार रहिएगा। प्रकाश जुगल जी, सलूजा जी अनम्यूट करके आइए। मेरा नाम है पीसी झा, प्रकाश झा। मैं पहले था इंडियन रेवेन्यू सर्विस में और मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलता हूँ। मैं ये बिजोन जी की जो एक्टिविटीज है उसके साथ मैं अपने रिटायरमेंट के बाद से जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो भाषण हुआ उनका वो सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ मुझे सुनने का मौका मिला कि पिछले 35 साल से ऊपर में इन्होंने जो जो वो काम किया है। अब मैं सीधे आता हूँ ये विषय के ऊपर में, तो कंज्यूमर से रिलेटेड तो काफ़ी
ये बातें हैं, आज उतना कहने का समय नहीं है, बस मैं सिर्फ एक दो बात बोलता हूँ जो जो ये बिजोन जी ने बताया कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में। उसमें सीधा पैसा जो हमारा पहले का विभाग था जो अभी हो गया है जीएसटी कस्टम्स विभाग, उससे पैसा उसमें जाता है कि जो पैसा कंज्यूमर्स लोगों से ले लेते हैं सामान को बनाने वाले या इंपोर्ट करने वाले, और बाद में उनको गवर्नमेंट से रिफंड मिलता है, लेकिन वो पैसा वो फिर से जिन्होंने सामान खरीदा है उसको दे नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो पैसा जमा रहता है। तो मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर की संस्था सब है उसको कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट से संपर्क करने की आवश्यकता होगी और उस पर एक निगरानी रखने की जरूरत होगी कि इसमें दो स्टेज है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट के इस फंड में पैसा आ जाए और उस फंड से जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है उसको पैसा ये मिलता रहे, ताकि जो उनके कार्यक्रम के लिए जैसा बिजुन जी ने बताया कि हमेशा गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वो पेट्रोल का पैसा आता रहे वहाँ से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसमें एक काफी बड़ी समस्या है कि जो जो ये नकली सामान की समस्या, मैं फिक्की के भी एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ मैं जानता हूँ कि जितनी सामान ये मार्केट में उपलब्ध है, जितनी ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबके नकली अवेलेबल हैं, और किसी किसी चीज में नकली का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये मोटर व्हीकल्स के जो पार्ट हैं उसमें एक तिहाई से ज्यादा सामान जो मार्केट में अवेलेबल है वो नकली। बिल्कुल प्रकाश जी, आपका मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी कुछ ये करने की आवश्यकता है और इससे इस जो प्रयास हो रहा है इससे जुड़ करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने, बल्कि सभी लोगों ने सवाल उठाया। तो ये तो अप्रूव्ड हो गया है कि हम लोग रेयर डिजीजेस पे करेंगे, जो कि रमैया जी ने उठाया था उस पर करेंगे काम, और प्रफुल्ल जी ने जिस तरह से जेनरिक दवाओं को लेकर किया था उस पर भी करेंगे, दवा की ऊंची कीमत को लेकर भी निश्चित रूप से, और जेनरिक दवा का जो है उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, तो ये मीडिया का बहुत बड़ा सकारात्मक पत्रकारिता करने वाले सकारात्मक पत्रकारों का ये जिम्मेदारी आप लोगों ने डाला है, और जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है वो सही तरीके से काम करे तो उस पर निगरानी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और नकली सामान की जहां तक बात की प्रकाश जी ने, तो नकली सामान को रोकने के लिए कंपनियों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां जो है उदय मन्ना जी हमारे कई दोस्त जुड़े हैं, हम उन लोगों को भी सुनना चाहेंगे वो क्या बोलना चाहते हैं। जमशेदपुर से हम राममूर्ति जी जुड़े हैं, हम देख रहे हैं, रामू है हमारा दोस्त राममूर्ति जी, कैसे हो तुम? अनम्यूट एंड कम डीआर जुगल रामू अनम्यूट। बिजोन जी के साथ हमारा रिश्ता करीब 60 साल का है, हम उनके साथ स्कूल में पढ़े हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि बिजोन जी स्कूल के बारे में बात किए, बीएचयू में हम लोग साथ थे उसके बारे में बात किए, और जैसा उनको इनपुट मिला स्कूल में जेसुइट फादरों का उसके बारे में बात किए। इज वन ऑफ द एग्रेसिव टाइप ऑफ पीपल, एक बार ठान लेते हैं कि कुछ करना है तो करके दिखाते हैं। I will be very short and I only say that I'll be praying to the Almighty for a very long and healthy life to Bijon and his continued association with the consumer protection movement, so that the entire Indian population gains by his helmsmanship of the movement. Wonderfully done, Bijon. Thank you. It's great to see you and wish you all the best. Thank you. You take me back to school, Lala school. हमने कितने बदमाशी किए साथ में मिलकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामामूर्ति जी। Thank you. Thank you. प्रकाश सुखात में एक मिनट उदय मन्ना जी, प्रकाश सुखात में हम उनको सुनना चाहेंगे, हमारे स्कूल के दोस्त हैं, वो अपने वाइफ के साथ जुड़े हैं। वेरी गुड, वो लोग जुड़े हैं। वेरी गुड प्रकाश प्रकाश जी स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।
आपका प्रोग्राम आज बहुत इंटरेस्टिंग था एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव जॉइन्ड इन अ प्रोग्राम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बिजॉन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब सो फार एंड ऑल योर ऑर्गेनाइजर्स आर वेरी वेरी इन्वॉल्व. ओके, दैट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर एंड आई कैन सी दैट you know you have a great influence on all the people who work with you and who are establishing themselves and helping out consumers all over the country. So I think this lecture or this speech of yours, I did not even know that 40 minutes had passed. Yeah, honestly, we give lectures in college, but we enjoyed your lecture today very much. Yeah, Padmaja says that the subject is something which is very close to her heart, you know, consumer protection. So she's a regular reader of my magazine, The Aware yes. Consumer, yeah. which I bring out every month. Right, and I keep right. getting her inputs. So thank you very much for reading my magazine. आप लोग सबको हमारा मैगजीन यदि नहीं मिल रहा है प्लीज हमको अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि हमारा हर महीना का मैगजीन आप तक पहुंचे. जी प्रकाश जी धन्यवाद और जुगल जोड़ी को धन्यवाद. ये गृहिणियों की गृहिणियां अगर आगे उपभोक्ता आंदोलन में आ जाती हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आगे कारगर काम होगा. तो नेक्स्ट जैसे कि डॉक्टर बीआर जी हैं और जुगल सलूजा जी, वन बाय वन आप लोग आ सकते हैं क्योंकि एक मिनट के लिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें हो जाए. एक विदेश रंजन वर्मा जी भी है. चलिए रंजन वर्मा जी आप आ जाइए. जो लोग अनम्यूट करके आ जाइए. दूसरे कोई भी आए, कोई भी आए, दूसरे कोई भी आइए. डॉक्टर कैन यू हियर मी? या या यस ओके गो ऑन सर. बिजॉन मिश्रा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर 35 इयर्स ऑफ जर्नी. इट वाज रियली वेरी मोटिवेशनल एंड स्पेशली व्हेन यू स्टार्टेड वे बैक इन 1980s. When there were not much of the resources, no internet, and even the people connectivity was not that easy. And you took all the way from 1980s till today, and it's a great heights. So first of all, thank you so much for bringing us awareness and everything that you have done so far. And as you rightly mentioned, healthcare services is one of the thing that really needs some more focus. जिसपे हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. प्लस एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, अनदर वन इज एजुकेशनल सर्विसेज. दैट इज वन ऑफ द थिंग, इधर इट इज चाइल्डहुड एजुकेशन, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल. समहाउ जैसे मैंने भी बहुत कंट्रीज में रहा हूँ और अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम, वो आज भी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले बहुत पीछे है. सो जब तक हम अपने एडुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आई थिंक हमारा बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग वेयर वी कैन फोकस और वी कैन गिव सम प्रायोरिटी टू दैट. इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड सर. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. थैंक्स सो मच. डॉक्टर जग्गा शेट्टी. Dr. Jagga Shetty ji. Thank you, sir. I am from Bangalore, Karnataka. I am in association with Bijan ji almost more than 15 years. I will tell just two benefits and one issue I am having in my mind. Two benefits he visited when I was the drugs control for the state of Karnataka. During that time, we could able to gather five ministers with secretary and all. And my after his visit and after the program, my budget of the state government of department 7 crore to increase to 57 crore. The one budget thing has happened. Second thing is, after retirement, I came to Government of India as a national advisor to Health Ministry and the CDSCO. That time, a project was conducted with my mode of this one for testing of drugs and for quality and all, with the help of Bijan ji. Consumer association across the country, testing was done of all the medicines, about the quality of the medicine and spurious and other things. These are the two benefits happened. And another issue, Praful ji also has raised about Janaushadi. I got an issue in this Janaushadi.
hardly 5 to 10% are generic medicines. Sorry to say that all genocide stores are selling only branded generics. It is not generics. Generic means it is a chemical name for everybody's knowledge. So branded generics, they are telling. NPPA is working under Ministry of Chemical Fertilizer. Janaushadi is working under Ministry of Chemical Fertilizer. Instead of propagating for Janaushadi stores, why not the government of India think of the reducing the price itself so that it will help to the consumers? This is my issue. Thank you very much for giving this chance. Very good suggestion. अब जुगल सलूजा जी, जुगल सलूजा जी और हाँ जी सर, दीपा भूषण भी तैयार रही है आप अमेरिका से, दीपा भूषण जी आरजेस फैमिली की। हाँ जी सर, जुगल है सर। Yeah, yeah, good yeah, afternoon yeah. everyone, and it's always a pleasure to hear Bijon sir. Let me tell everyone, I think I am the youngest colleague come classmate come friend of Dr. Bijon Mishra, because इतने सारे महानुभाव हैं यहाँ पे, मैं सबसे छोटा हूँ, थोड़ा संकोच हो रहा है बोलने में। मेरा सर एक प्रश्न है, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो इस ग्रुप में होंगे या इस ग्रुप के बाहर भी होंगे, जो शायद फुल टाइम अपना समय नहीं दे पाए इस तरह के मूवमेंट में बिकॉज ऑफ सर्टेन फैमिली ऑब्लिगेशंस और जॉब में लगे हुए हैं, बट हम भी अंदर से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इतना मोटिवेशन है सुन के, जो सर की भी 34 इयर्स की 40 इयर्स की जो जर्नी हमने सुनी है, तो हाउ कैन पीपल लाइक अस ज्वाइन दिस मोमेंटम एंड कंट्रीब्यूट एक्टिवली? वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट I was waiting somebody should say this, and Bugal ji, you have said it. You see, हमारे बीच में इकबाल है. इकबाल is now the coordinator of an institute in Odisha, State Institute on Consumer Awareness. हमने उड़ीसा गवर्नमेंट को मतलब कन्विंस करवाया कि उनका एक इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें फुल टाइम लोग एम्प्लॉय हो और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे काम करें, और ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड से हो रहा है। हर एक स्टेट को सरकार ने पैसे दे रहे हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड से, लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है, और यदि यूटिलाइज भी हो रहा है तो गलत ढंग से यूटिलाइज हो रहा है, वो केवल तनख्वाह में चले जा रहा है और काम नहीं हो रहा है। लेकिन इकबाल जो हमारे साथ जुड़े हैं, इकबाल आप अपना कहानी सुनाइए कि आप कैसे सीका के साथ जुड़े हैं, बताइए सबको। गुड आफ्टरनून, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, और यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं हम उनके साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद बिजन सर, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा सर, जिनका गाइडेंस के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हमारे ओडिशा में स्टेट हमारे फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज अ एडवाइजर काम कर रहे हैं, हम उनके अंडर काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी लग रही है कि हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस्ड हमें बहुत मतलब एक रोड मैप बता रहा है कि हमें कैसे काम करना है ओडिशा में, कंज्यूमर मूवमेंट को कैसे आगे लेके जाना है। और अभी हम लोग अभी बहुत मतलब अच्छा प्लान कर रहे हैं कि एक ओडिशा में कैसे कंज्यूमर हर एक लेवल पे, हर एक ग्रास लेवल पे कैसे लोग जाने कि मतलब उनका राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, और उनको कैसे मतलब उनका वो अपने राइट्स को कैसे पा सकें। उसके लिए सर बहुत मतलब बहुत बहुत बेहतर आइडियाज दे रहे हैं, डेली बेसिस में हमें फॉलो कर रहे हैं, डेली बेसिस में हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि इकबाल आपको ऐसा काम करना है, आपको ग्रास लेवल पे जाना है, हर एक इंडिविजुअल को आपको टच करना है। हमें अभी टारगेट मिला है कि हमें इकबाल, आर यू फीलिंग लकी दैट यू गॉट अ फुल टाइम जॉब टू वर्क फॉर द कंज्यूमर? यस सर, एग्जैक्टली मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि अभी मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, 12 साल का एक्सपीरियंस, वो था स्पेशली रूरल डेवलपमेंट में मैं काम कर रहा था, और अर्बन डेवलपमेंट में मैंने काम किया, गवर्नमेंट के साथ पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ था, और ये एक मुझे नया मतलब नया एक पूरा एनवायरमेंट मिला, और इतने सारे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करने का एनवायरमेंट मिला, और ऐसा मतलब क्या है ना कि सारा चीज एवरी इंडिविजुअल हर एक चीज जुड़ा हुआ है, मतलब कंज्यूमर के रिलेटेड हर एक चीज, जो कि हमने प्रीवियस में काम कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट में, ह्यूज ऑफ बजट हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट के। जुगल जी आपका आंसर ये है कि आप कुछ भी काम यदि कर रहे हो आप उसको करो जरूर, लेकिन
एक निर्णय आप जब ले लोगे कि आप फुल टाइम कंज्यूमर मूवमेंट में काम करना चाहोगे, तभी आपसे सही ढंग से काम हो सकेगा। तो फुल टाइम कैसे हो सकता है वो हम लोग ऑफलाइन बात करेंगे बाद में। Yes. लेकिन अभी आप जहां काम कर रहे हो उसमें ध्यान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ यदि आपके पास कुछ समय है तो उपभोक्ता आंदोलन पे जुड़िए उस समय को लेकर। हाँ, विष्णु जी हाथ उठाए हैं। विष्णु जी अनम्यूट करके आइए। Yes. Sir, good afternoon, sir. This is B.C. Patnaik. Sir, first, a lot of appreciation for what you've told. We have always respected you for all the things that you've done for the country and for the consumer movement in India. Personally and officially, I've been a beneficiary of such things. I can only wish that you go on and make this more successful. I also came to know a lot of things which, despite being in the customer-centric organization, I did not know. But yes, sir, as an organization, I do not like to speak much about it, but I can say that, yes, we have always been customer-centric and customer-focused, and we also see that the consumer interest... No, but you must tell the participants about how the insurance sector is changing. Yes, sir, yes. And I should say that with the onset of the regulation by the IRDAI and also... the Consumer Protection Act, and with the insurance ombudsman system in place in the country, the customer in India can feel himself or herself totally protected, and they are well supported by all the rules and regulations. And yes, in India, the insurance market is going to be very big. What we see the insurance market today, it can be 10 times more in another 10 years. And so there'll be a lot of explosion in the insurance industry, and all customers, they can be absolutely protected, because India is a country which has got adequate safeguards for all customers and especially insurance customers. Very yes, I would also like to add that many times I also have a lot of innate desire to contribute something to the consumer movements. Actually, many times I feel that we are looking to the consumers of the industrial goods and products or services. But I feel that sometimes there are customers of the government services, and perhaps nobody takes care of them. One is like primary school education. Today, if you see that the amount of money spent in the primary school education, it's humongous. Many people may say that perhaps in Western countries or other developed countries, the amount might be much more. But still, whatever money is spent today, whether the new results are coming, because there has been a lot of frustration with the parents, with the students and all, and so many things. Similarly, regarding law and order also, whether people who go to a police station despite so much of rules, regulations changing, whether they feel comfortable and all these things, whether that they can come under the ambit of consumer or not, sir. I feel they should be, but I do not know. No, the new education policy is trying to address a lot of these issues which you have raised, and there is a kind of a discussion going on in terms of private schools, whether they can become part of the delivery system. Because as a consumer, it is being defined that wherever you pay money to access a product or a service, you come under the provisions of the Consumer Protection Act. But the most important thing is the consumers have to assert the rights. So if I don't find that my children is getting the right education, then I should be the first one to demand that education. So that is why, you see, as I told you, missionaries came from all the way from Maryland in USA to teach students in India in Jamshedpur. And we were fortunate, a few of us, who could afford to go to that school and get that education. Now, my contention is, we got that education because my parents were determined that they want to give the best education to the child. So the most important thing is they must have saved a lot of their luxuries to give us that education. So it is up to the parents to decide how they want the education system in the country to change. And that is why I mentioned about BHU also, that if you go to BHU, you must have visited Banaras. If you have not, you must go, because we have a very dynamic member of the parliament from there now, you know, and who is changing the whole face of Banaras. If you go there, you will see what a vision
Malviya ji had, and he made sure that he gave the best quality education in the country. So it not only depends on the leader, but it also depends on people like us to go to that university, acquire that knowledge, and then impart it to the country back. So what my contention is, we have to demand and assert for our rights. I don't think somebody will give it to you on a platter. कोई प्लेट में डालकर नहीं खिलाएगा आपको, आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है. यदि हम अपने बगल में, and as you know that everybody has got certain limitations. हमारे पास दो ही हाथ है and 365 days है. हमारे पास 366 days नहीं है, ना हमारे पास चार हाथ है. तो हमको उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, और जो सब लोग कर सकता है, आप लोग सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए. थैंक यू, थैंक यू. हाँ, प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी ने एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है. और आर्यन आप रेज कर रहे हैं, तो आइए ऑन स्क्रीन और प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी से रूबरू होइए. आर्यन जी, okay. जी मैं हूं सर. ओके okay. अच्छा डॉक्टर मीना जी. जी 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 मेरा एक प्रश्न है सर. प्लीज बिजन मिश्रा जी से सर मैं पूछना चाहती हूँ कि सर एड में दिखाता है कि लंबे काले घने बाल, ये शैम्पू यूज करो, वो शैम्पू यूज करो, तो क्या सर ऐसा हम उस पर क्लेम कर सकते हैं? हमारे बाल ऑफ कोर्स आप क्लेम कर सकते हो, यू नो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं. और जो नया कानून बना है, यदि कोई उसको एंडोर्स भी कर रहा है, उनको भी हम लोग कटघरे में खड़ा कर सकते. तो यदि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया लेकर ये कह रहा है कि आपका बाल भी हम घने कर सकते हैं, तो वो जो क्लेम कर रहा है, वो जो सेलिब्रिटी है, आप उसके अगेंस्ट में भी जा सकते हो. तो आप प्लीज हमसे संपर्क रखिए और हम आपको बताएंगे कि आपको शिकायत कैसे करना चाहिए. अच्छा सर, एक और सर, ये एक्सपायरी डेट के बारे में सर. एक्सपायरी डेट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जब खरीदने जाते हैं तो एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होता है. और वो तो कानूनी या तो एक्सपायरी डेट मेंशन होना चाहिए और बेस्ट बिफोर होना चाहिए, दोनों में चाहिए. सर कभी कभी ओमिट रहता है सर उसमें. नहीं नहीं, तब वो बिल्कुल मत खरीदिएगा वो सामान, कभी भी मत खरीदिएगा प्लीज, यू नो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है. जी सर, एक इंश्योरेंस सेक्टर से भी मेरा प्रश्न है सर. इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हम उदय मन्ना जी को रिक्वेस्ट करेंगे किसी एक दिन वो इंश्योरेंस के लिए अलग से बैठक रखें, क्योंकि वो बहुत लंबा बात हो जाएगा. Noted sir, noted. Insurance sector के लिए. Thank you Dr. Meena, RJS family से जुड़ी हुई. No, I can see, I think, is it Sudhi ji? कौन है जो हाथ उठाए? Galaxy करके यहाँ शो हो रहा है. आ जाइए, स्वागत है, स्वागत है, आ जाइए, बोलिए. नाम बताकर बोलिए. जी जी बोलिए, बोलिए नाम बताकर. पूनम बलम. थैंक यू, बोलिए. Yeah, go ahead. मन्ना जी मेरा एक प्रश्न है. प्लीज चलिए पूछिए. पुष्कर बालाजी. हाँ सर, नमस्कार. सर मेरा एक प्रश्न है कि जनरली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं एमआरपी को लेकर के. कहीं कहीं किसी किसी दुकानों पर एमआरपी होती है, वो देता है 143 में, कहीं सर वो मिलता है 150 में एमआरपी रेट पर. और कहीं कहीं ये वेरीफायर अलग अलग तरीके से लोग कस्टमर को देते हैं. तो इसको लेकर कस्टमर चीजें तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं सर रेट को लेकर के. तो सर इसमें क्या कंडक्टर समझ में नहीं आता है. बहिष्कार, देखिए उपभोक्ताओं के पास सबसे बड़ा जो अधिकार है जी. जो जिसको हम बोलते हैं कि हथियार, सबसे बड़ा ब्रह्महस्त जो उपभोक्ताओं के पास है वो है वरिष्कार. आप उस प्रोडक्ट को मत खरीदिए जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है. और आप यदि नहीं खरीदेंगे, आप और 10 लोगों को बोलेंगे कि ये घटिया सामान है, तो और 10 आदमी नहीं खरीदेगा. तो या तो वो फिर रहेगा मार्केट में, या तो वो मार्केट में नहीं रहेगा. तो आप यदि खुश नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को कभी कतई दोबारा मत खरीदिए. और ये जरूर उन कंपनी को बताइए, क्योंकि उनका ईमेल आईडी या फोन नंबर हर एक पैकेट में होता है. या दुकानदार को बताइए जिनसे आप खरीदे हैं कि ये प्रोडक्ट घटिया है, इस प्रोडक्ट को हम आगे कभी नहीं खरीदेंगे.
थैंक यू, थैंक यू। पूर्ण बल्लम जी, अगर आप जुड़ गए हैं तो प्रश्न पूछ लीजिए या अपने विचार प्रकट कीजिए। पूर्ण बल्लम जी, पूर्ण बल्लम जी, एनीवे अमेरिका से आरजेएस फैमिली की गई हुई दीपा भूषण जी। हाँ हाँ, आप बोलिए सर, आ गई। पूर्ण बल्लम जी बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए पूर्ण बल्लम जी, आवाज आ रही है। तमिलनाडु, या मिश्रा जी, इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश। मिश्रा जी, आई एम इन तमिलनाडु, फ्रॉम तमिलनाडु। आई नो, से से व्हाट यू वांट टू से, यू प्लीज स्पीक। See, the entire proceeding, since the entire deliberation is in Hindi, we are unable to follow, sir. If it is good, if it is, operation is made for English. I am friend of Dr. Durai Singham. Yeah, yeah, very good. In fact, that is why I was trying to speak in English and Hindi both. But I do understand that most of my speakers and my friends have spoken in Hindi because they find it more convenient to speak in Hindi. So maybe... Uday Manna ji, you should organize a program for my friends in South India in English, and they can participate more actively in English with us, like my friends who are Hindi speaking, who have today participated. Let us do one program in English also. Yeah, uske liye thank you, sir. Thank you, sir. Sir, aap agar number aapke paas ho, to aap apne साउथ इंडिया के कम 10-20 लोगों को नंबर भेज दीजिए, उनको आमंत्रित किया जाए आपके थ्रू, और उसके बाद हम लोग चैट बॉक्स में आप अपना नंबर दे दीजिए, ताकि लोग आपसे संपर्क करें, और चैट बॉक्स में हम रिक्वेस्ट कर, आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ हु हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो, प्लीज पुट योर फोन नंबर ऑन द चैट बॉक्स सो दैट मिस्टर उदय मन्ना कैन गेट इन टच विद यू एंड वी कैन हैव अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम सदर्न इंडिया। I can see Mr. Somashekar from South India. Somashekar ji, can you please come? Thank you, Bijan. Thank you. One second. Yeah. Hope I'm audible. Yes, you're audible. Yeah. Thank you very much, Bijan. My mixed feeling. First of all, I want you to shut your ears, and for the announcement of all the other people, Bijan, we have given him a title of Grahak Ratna. So I start with that. He is the pioneer of most of the programs that I am enchanted with his thinking, creativity, and whatever we participated. So let me not start off on his kind of the thing. I will tell you some of the picked up journey which I've had with him. The first program, or initially, when I was a probationer, I should say, in the consumer movement, I was delighted to meet Bijan at a hotel, five-star hotel in Bangalore, where we had a program, huge program. Other people also had come, Bijan will recall. Then subsequently, I'll tell you some of the beautiful programs Bijan conducted. We were the pioneers, the first along with us, is Bijan's initiative that when the citizen charter started, he was the one who did with Canara Bank. First citizen charter of Canara Bank, the way it should be done. It is a benchmark. Nobody followed subsequently. If you would recall, all the general managers of Canara Bank participated. And it was immediately after the program, a trial was also done in the field at a Lavilla Road branch and all that. That was one of them. Coming up to the latest, his creativity, it's phenomenal. So I am not saying, I was looking forward to hearing some people. It is not confined to health. He has been an international policymaker. He has been participating in consumer international programs. So he has got enriched ideas and thoughts. For example, this March 15th program, which he initiated incidentally along with us and Desikan, one of the veterans of the consumer movement in Tamil Nadu, he started off from this. So I can list out some of the programs that he started with us and how it has been built up. Even today,
it is being continued. Fortunately, at a time when I'm talking, Karnataka was rated number one. Yes. Well, I have my reservations for that because I'm still not satisfied at so many other things that could be done. Number one. Number two is, look at the thing. He did a national program in Delhi. He did a training program for all consumer organizations on pharmacopoeia vigilance, which is unique, which is fantastic. And again, we had a workshop with BIS, legal metrology, and again, that is a benchmark on the same program. So every event, I would call it as a milestone. Whatever he has stepped in, whatever he has done, the energy is phenomenal. The energy. No, thank you for all your support. You, sir. No, 1 minute, 1 minute. Bijan, Shashank Sudhiji. You should not talk, you should listen. Bijan, wait a minute. So my only prescription would be the consumer movement, for example, is growing up. I mean, it's phenomenally growing. Look at this. I will just give you a sample. We are all scratching the surface. Look at this. 70% discount in Amazon, 65% in Flipkart. What is this? How can you give 70%, 65%? That means you are cheating the government. Even if you pay taxes, you can't give 30%. So where are we? All consumer organizations are involved in that. And the best part of it is, I wanted to share with you one small incident with Amazon. Somebody wrote, and I got a review. I told that person, listen, you have to go to the consumer organizations are working for this. There is a 2019 Consumer Protection Act. This. You can also lodge your complaint in Central Consumer Protection Authority. I was blocked by Amazon. Can you imagine? They don't want Noted. Noted. Shashank Sudhiji. Noted, sir. Shashank Sudhiji, please unmute and come. Yes. Come on, sir. Sir, good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, happy to see you today. And only one thing which I wanted to say, that this country is indebted to your services, which you have done for this country. And I do not have any hesitation in saying that you are a father of the consumer movement. You have initiated a wonderful movement, and I had been associated with you in one form or the another for last 20 years now. नहीं आप सबको बताइए कि आप एक वकालत आप एक वकील होते हुए भी मुफ्त में हमारे काम करते हैं जो हम PIL दाखिल करते हैं सबके लिए. So you are one of my best support because you do it pro bono, free of cost, in the interest of the citizens. Please tell people that you are committed equally in taking up common cause, not individual cause. हम कभी आपको भी मालूम है हम individual complaints को लेके consumer court के सामने या commission के सामने या कहीं पर नहीं जाते हैं. हम समूह सारे समाज के लोगों का जो दिक्कत है उसको लेकर जाते हैं. जैसे हम लोग अभी पीएमसी के लिए कर रहे हैं. दो तीन उदाहरण प्लीज लोगों को बताइए जिस पे आप जुड़े हुए हैं. सर आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस. यू हैड बीन क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग अप द इश्यूज लाइक पीएमसी वेयर यू हैव गाइडेड मी दैट दिस मैटर मस्ट बी टेकन अप फॉर द जनरल पब्लिक. And we have gone to the Supreme Court, and from the Supreme Court, I went to Delhi High Court, and a very good order has been has come by your efforts. And I must but say not that enough, today, not enough, but not enough. We have to work, keep working. Yes, sir. At the same time, you have gone for aviation sector that there must be regulation of airfare. This is still pending in Delhi High Court because you are the person. Who had always insisted upon that there must be capping of their fare. So you have worked in that field also, and you went to the High Court. Laboratories. And thereafter, you have gone for regulation of pathological lab, and the High Court had already taken cognizance of and issued notice and various orders subsequently. In terms of regulating the illegal pathological labs in Delhi and across the country. And apart from that, you have gone for the death of innocent children in Kota
with Dr. K.K. Agrawal. So you worked there also. And I remember, sir, that the Honorable Supreme Court had issued a notice prior to this COVID where you have stated that every hospital must be equipped with the oxygen. And thereafter, there was a requirement of oxygen across the country. So that was, in fact, you have anticipated. Continue doing your good work. Continue doing your good work. We are all indebted to you and lawyers of your kind who are being very kind to the consumers, because as you know, that legal system in India is very expensive, very long drawn, and it takes a long time to get justice. So we have to fight for making it shorter, faster, and quicker, because we can't afford such long drawn processes. No, we'll definitely do it. Thank you. Sir, actually, I must tell to you, sir, that you know, your advices and your guidance is always there. And because without your guidance, nothing would have been possible, sir. Yeah, I can see. Thank you, Shashank Dev ji. Thank you. Galaxy, jo aap haath uthaye hain. Haan, Galaxy. Aaiye, please. Aap aa nahi rahe hain. Galaxy A52. Kai baar aap ko bula bhi diya hai. Please unmute and come. Unmute. I am Doraisingam. Bijon ji. Oh, yes. This is Doraisingam. Yeah, Doraisingam. I could not recognize you. My sincere apologies, because your frame was showing Galaxy, there was no name. Yeah. So I could not recognize you. My sincere apologies. My friend Doraisingam from Tamil Nadu. Please, Doraisingam. Yes, Bijonji, very good morning. Good morning. To all participants, we are very thankful to you to give you a chance to participate in these programs. But Ponnambalam said that I could not understand fully because I don't know Hindi fully. But you suggested that you make one more. You can arrange that one more program for South Indian in full English. Then South Indian consumer or activist will get more benefit than. So I would request you and Somashekhar ji and others, please do it along with Mr. Uday Manna. Uday Manna ji, please. इन लोगों के साथ संपर्क करिए एंड सोमशेखर एंड ही इज ऑलरेडी वेरी अनॉयड बिकॉज वी इंटरप्टेड हिम बट वी विल हैव वन एक्सक्लूसिव सेशन विथ माय फ्रेंड्स फ्रॉम सदर्न स्टेट वन डे उदय मन्ना जी प्लीज ऑर्गेनाइज इट जी नोटेड सर और आप लोग स्क्रीन पे ये नंबर नोट कर सकते हैं स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं उस नंबर को नोट कर लीजिए Please note the number, it is on the chat box and get in touch with him. All my friends, you know, Doraisingam, Mr. Somashekhar, please, and others, please get in touch with him. We will do a dedicated event for my friends from Southern India, exclusively in English. Jee. No Tamil will be allowed, no Kannada will be allowed. Okay. सोमशेखर जी मेरे ख्याल से सोमशेखर जी उस दिन आपको बहुत ही ज्यादा बातों को रखने का मौका मिलेगा और इंग्लिश में होगा वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो इसका वो करेगी और आगे हम दो स्पीकर और लेना चाहेंगे दो क्वेश्चन लेना चाहेंगे शॉर्ट में हाँ सुधीर साहू जी क्वेश्चन प्लीज सर मैं बिजॉन साहब के 40 साल के एक्सपीरियंस को जो सुना है उसने इतना आनंद प्रदान किया है कि मैं क्या बताऊं उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि बिजॉन सर की जो जीवनी है वो किताबें बनाई जाए और स्कूलों में भी पढ़ाई जाए कंज्यूमर मूवमेंट किस प्रकार से हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ और उसपे क्या क्या तकलीफें हुई क्या क्या हमें सफलता मिली और मैं जो रेयर डिजीज वाली बात आई थी कि रेयर डिजीज है और उसके भी हम कंज्यूमर हैं और ये फैली हुई है हमको मालूम नहीं है रमैया जी ने हमको बताया हम इसके विषय में सरकार को भी पत्र लिखेंगे कि कोशिश करी जाएगी कि भैया ये रेयर डिजीज जो है इसको क्लासिफाई किया जाए और इसके बारे में जन जागरण फैलाया जाए क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसके बारे में और एक बात और कहूंगा कि सर जो है इन्होंने जो है एक 40 ASR हिप इम्प्लांट मैन्युफैक्चर्ड बाई मैसेस डिपो इंटरनेशनल लिमिटेड उसके इशू को भी इन्होंने सॉल्व किया था डायग्नोस्टिक सेंटर गली गली में खुल गए हैं ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है और सर के आंदोलन को हम सब सपोर्ट करते हैं हमेशा करते रहेंगे और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा कामना करेंगे और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही सेशन बार बार हो
और मैं उदय मन्ना जी और आरजेएस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, सुदीप साहू जी, आप तैयार कीजिए, इसका जो रिकमेंडेशन है उसको तैयार करके आप भेजिए और जी जी जी। हम लोग को आगे आएंगे और आगे जी जी। लास्ट देखिए, क्योंकि हम लोग बियॉन्ड टाइम लिमिट पार कर चुके हैं, तो दो लोग लास्ट में आ जाएं। हम लोग तुरंत आप लोगों को इनवाइट करने वाले हों इंग्लिश सेशन के लिए, लेकिन दो लोगों को लेकर और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे आरजे सूचना केंद्र के प्रभारी पटेल नगर के दिल्ली के सुरजीत सिंह दीदेवार जी। तो दो क्वेश्चन ले लेते हैं और दीपा भूषण जी अगर जुड़ी हैं आरजेएस फैमिली से, इस समय वो अमेरिका प्रवास कर रही है। दीपा जी आपका स्वागत है, और वहां से जो अमेरिका से कल मकर संक्रांति के दिन जो है वो जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पे अपलोड हुआ है उसको लोगों ने काफी पसंद किया है, काफी लोगों ने देखा है। धन्यवाद। चर्चा हो रही है कि हमारे भाई भारत को कितना प्यार करते हैं और पॉजिटिव केवल केवल वो नहीं, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको आप लोग सुनने के लिए बहुत मतलब इच्छुक होंगे, जैसे हमारे अलका मुखी जी हैं, हमारे अनिल जौहरी जी हैं, कई लोग हैं, यू नो सतीश पानीग्राही जी हैं उड़ीसा से। तो हम सोचते हैं कि बिकॉज टाइम ओवर हो गया है, फिर भी यदि एक एक मिनट आप उन लोगों को देंगे, आप प्लीज उनको अलाउ कीजिए एक एक मिनट आए और अपना एटलीस्ट कुछ तो बता के जाएं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा है। दीपा जी सारे देश के लोगों को बुलाते हैं, ये मौका मिले जी। सर नमस्कार। दीपा जी, प्रोफेसर बिजॉन मिश्र सर नमस्कार। नमस्कार। आपकी जर्नी और आज तो इतना कुछ जानने को मिला, तो वैसे ही बहुत कुछ जानने को मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। बट एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि अभी भी जब हम मार्केट में जाते हैं आज के समय में भी कई दुकानदार जो हैं अभी तक भी रसीद नहीं देते हैं और कहते हैं सामान ऐसे ही ले जाइए। कई बार तो कुछ लोग ले लेते हैं, पर मेरा प्रश्न था कि इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अब नया कानून में, दीपा जी नया कानून में ये आ गया है कि यदि दुकानदार रिसीट नहीं देता है उनको दंडित किया जाएगा। वो अनिवार्य हो गया है कि आप मांगे या नहीं मांगे उनको रिसीट काटना अनिवार्य हो गया है, और यदि वो नहीं काटते हैं तब उनके अगेंस्ट में कार्रवाई शुरू किया जा सकता है तुरंत। ये हो गया है, तो आप यदि कोई भी सामान खरीदते हैं और आपको नहीं मिल रहा है रिसीट, आप तुरंत उसके अगेंस्ट में शिकायत कीजिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उनको लिखिए कि आपका जो रिटेलर है वो रिसीट नहीं दे रहे हैं। जी थैंक यू। नेक्स्ट आ जाइए। वैसे कंज्यूमर फोरम जो जिला राज्य और नेशनल फोरम है उसको सशक्त करने के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। वहां पर जो लोग भी बैठे हुए हैं वो लोग पॉजिटिव वे से कंज्यूमर के समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए गृहिणियों को और खास करके जनता को प्रेशर ग्रुप का काम करना पड़ेगा। और कंज्यूमर को सुनिए, अलका मुखी जी, अलका मुखी जी स्वागत है, अलका मुखी जी को सुनिए, अलका मुखी जी स्वागत है। Hello, good afternoon, and thank you for this opportunity. Myself, Dr. Alka Mukhne. I have been hearing, I mean, Bijonda, this has been absolutely privileged to hear a very illustrious journey, awe-inspiring, I would say. In the era where the concept of consumer awareness and consumer rights itself was non-existent, and at that point of time, starting or laying the seeds for this movement, and rest all is, I would say, history, as your entire journey showed. I've been hearing of your though the privilege of working with you has I have got that privilege very late, maybe it's just a couple of years. But Alka ji, हमारे board member हैं, Alka ji हमारे board member हैं, हम लोग always ये प्रयास करते हैं कि हमारे board में 50% ladies सदस्य हों। So always हम लोग लेडीज को 50% दर्जा देते हैं, कोई भी चर्चा भी हम लोग जब करते हैं तो वी मेक श्योर दैट 50% ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी लेडीज। तो अलका मुखी जी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, यू नो हम रिक्वेस्ट करेंगे अनिल जौहरी जी, आप प्लीज बताइए, BIS में आप थे जब हम आपसे मिले थे फर्स्ट टाइम। नमस्कार बिजोंदा, मैं सोच रहा था कि मेरी एसोसिएशन सिर्फ 30 साल की, और यहाँ तो बड़े महानुभाव लोग हैं, उनको बोलने का मौका पहले मिलना चाहिए। मैंने तो आपका करियर फॉलो किया है टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इट्स एन ऑसम कंट्रीब्यूशन दैट यू हैव मेड,
एंड वी स्टिल कंटिन्यू टू वर्क टूगेदर. तो अभी खत्म नहीं हुआ जर्नी, नहीं होगा. और मैं भी अपने आपको नहीं छोड़ने वाले हैं हम. मैं भी अपने प्रोफेशनल कैरियर में क्वालिटी में BIS में, उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में रहते हुए भी जो अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर मूवमेंट के लिए कर सका वो कर पाया. तो हम आगे भी काम करते रहेंगे. और मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने आपका ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि हेल्थ केयर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज और कोविड पैंडेमिक हैज शोन कि हेल्थ केयर में कितना अनरेगुलेटेड सेक्टर है, वेदर इट्स मेडिकल लैब्स और हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स या आजकल होम हेल्थ केयर और तरह तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स आ गए हैं जो ई कॉमर्स मतलब एग्रीगेटर्स हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी लॉ. तो दैट इज वन एरिया विच कंज्यूमर प्रेशर ग्रुप्स नीड टू फोकस ऑन एंड यू नो प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू ब्रिंग ऑल दीज हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज अंडर इफेक्टिव रेगुलेशन. सो मेरा सजेशन यही रहेगा और इस डायरेक्शन में हम लोग भी काम करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई आपके इस 40 साल की जर्नी के लिए. थैंक यू. डॉक्टर मुनी कुमारी जी. हाँ डॉक्टर मुनी कुमारी जी. यस सर. आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता. नमस्ते सर. नाइस टू सी यू सर. मेरा प्रश्न और जानना चाहती हूँ सर कि ग्राहकों के जागृत होने के बावजूद नियमन है कार्यान्वयन त्वरित कार्रवाई नहीं होने की वजह से समय और धन की बर्बादी को कैसे रोका जाए, बावजूद की पेनाल्टी पनिशमेंट एंड कंपनसेशन का भी प्रोविजन है, लेकिन इस माइंडसेट से कैसे निकले सर ताकि उपयुक्त फोरम तक पहुंच सके. सिंपल, हमको हमको खुद से शुरू करना चाहिए. हमको याद है जमशेदपुर में जब रेलवे ट्रेन लेट आती थी, यू नो हम पहले पहुंच जाते थे तो पहला काम हम करते थे कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाकर कंप्लेंट बुक में कंप्लेंट लिखते थे. इसी और वैसे लिखते रहते थे तो स्टेशन मास्टर से भी परिचित हो गए. वो हमको फोन करके पहले से बता देते थे कि ट्रेन अराइवल टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि हम पहुंच जाए स्टेशन और ट्रेन अराइव नहीं किया है जबकि वो हम लोगों को सूचित कर रहा है कि ऑन टाइम आ रहा है, तो हम पहला काम करते थे कि कंप्लेंट बुक में कंप्लेंट लिखते थे. और आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि रेलवे एक ऐसा संस्था है जहां पर कंप्लेंट बुक का 3 प्रतिलिपि बनता है. एक आपको तुरंत दिया जाता है रिसीव करते हुए, एक उस किताब में रहता है और एक भेजा जाता है जहां से उसका रेजोल्यूशन होगा. तो रेलवे का जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है रिड्रेसल, वो बहुत ही बढ़िया रिड्रेसल मैकेनिज्म है. तो आप जब तक खुद अपने से शुरू नहीं करेंगे कि हम अच्छा गुणवत्ता सामान नहीं खरीदेंगे या हम वो सामान को नहीं खरीदेंगे जहां हमको अच्छा सुविधा नहीं मिल रहा है, बदलाव नहीं आएगा. आपको खुद से शुरू करना होगा. थैंक यू सर. आनंद द्विवेदी जी आप रेज कर रहे हैं हैंड. राघवेंद्र जी और आनंद द्विवेदी जी कम फर्स्ट सर. अनम्यूट कीजिए आनंद जी. अनम्यूट सर. नमस्कार. राघवेंद्र जी आए हैं. नमस्कार जी. राम जागृति के संस्थान नई दिल्ली से उदय मन्ना जी और बिजॉन मिश्रा जी सर नई दिल्ली से. आपने जो आज एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन करवाया धन्यवाद. मेरा एक सुझाव था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अपडेट हो चुका है तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा उपभोक्ताओं को अवेयरनेस को लेके जागरूकता की बेहद कमी है. तो जैसे जिला उपभोक्ता आयोग है, राज्य उपभोक्ता आयोग और केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, CCPA, BIS हुआ, FSSAI, काफी ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के लिए हैं, उनके लिए ही वो कार्य कर रहे हैं. लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं को जागरूकता की कमी होने के कारण वो उनका पूरी कई तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. तो केवल एक जागरूकता की कमी है और उस जागरूकता की किस प्रकार दूर किया जा सकता है, थोड़ा सा हमें एक सेंट्रल लेवल पे इस तरीके से एक कहीं ना कहीं बिजॉन मिश्रा जी से मेरा निवेदन है कि हमें कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर इसको एक मंथन करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को जागृति किस प्रकार लाई जा सके, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की जो शक्तियां हैं वो उपभोक्ताओं को किस प्रकार मिल सके. तो कई RJS पॉजिटिव मीडिया पैदा करना होगा देश में, तभी हो सकेगा. आप लोग
सब लोग मिलकर कई मन्ना जी मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा जी हाँ नीरा अरोड़ा जी नीरा अरोड़ा जी 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 नीरा अरोड़ा जी नमस्कार मन्ना जी आपने बहुत ही अच्छा विषय आज चुना और प्रोफेसर विजय मिश्रा जी को मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि 93 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ था कंज्यूमर में तो मैंने लगभग सिर्फ 2 साल ही हुए थे मुझे जॉब ज्वाइन किए हुए तो मुझे लगता था कि ये क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया है कंज्यूमर कहाँ पकड़ में आएंगे और कहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो पकड़ में आएंगे पर धीरे धीरे आज की स्थिति जो 17 तक मैंने काम किया और लगभग 100 से ज्यादा वर्कशॉप भी करी यंग यूथ्स के लिए और उनको कंज्यूमर राइट्स के बारे में उपयोग करना भी बताया तो आज कुछ मैं पहले सोच के बैठी थी कि मैं सुनूंगी आज सिर्फ तो बोले बिना रह नहीं सकी तो धन्यवाद सबका और समाज में जागरूकता की आवश्यकता तो है ही और कंज्यूमर्स का जितना भी जो सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं चाहे किसी भी फॉर्म में है चाहे टीवी है या जो भी हम कंज्यूम करते हैं उन आइटम्स को मैंने तो कई बार यूज किया और बच्चों से करवाया भी है फॉर एग्जाम्पल जैसे सूजी खराब आ गई सूजी में कीड़ा आ गया तो कंज्यूमर सर्विस उसको मैंने नंबर डायल किया तो वो हमारे घर खुद उसको डिलीवर करने आए दोबारा और अनफॉर्चुनेटली उसी शॉप से लेकर के आए जिससे मैंने परचेज किया था जो वो लेकर के आए तो मैंने पैकेट के अंदर कर दिया कि अरे आप तो फिर खराब ले आए तो वो उसने बहुत दाद दिया कि ये तो हमारी बहुत बड़ी फॉल्ट है हमारे एरिया की सप्लाई की उसके अलावा जैम के लिए मैंने किया या रिकनेक्ट टीवी के लिए वो किया उन्होंने भी उसको दोबारा सर्विस की पर ये कहने का विषय है कि जागरूकता आ चुकी है और आने वाली जनरेशन के लिए और भी जरूरी है मैं सिर्फ एक छोटा सा डाटा जानना चाह रही थी कि कितने परसेंट लोग अभी भी कंज्यूमर्स जो हैं अपना सर्विसेज अवेल करते हैं अपना सर्विसेज अवेल करते हैं वो कंप्लेंस करते हैं और अपनी बाकी एक बात और भी है कि मैंने 2009 में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में काम किया था तो वहां पर भी फंड्स मिलते हैं एनजीओस को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए तो जितने भी मेरे साथी सहयोगी आज जुड़े हुए हैं एनजीओ से वो भी अपने एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जा करके इसके बारे में पता कर सकते हैं या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं वो फंड्स अगर लेकर के वो छोटे छोटे प्रोग्राम छोटी कम्युनिटीज में महिलाओं के साथ अगर किया जाए क्योंकि जेंट्स अर्निंग में व्यस्त रहते हैं और फीमेल्स जो हैं घर में ज्यादा सफर रहती हैं वो अपने हस्बैंड को ही कंप्लेन करते हैं हस्बैंड बॉदर नहीं करता कि मैं ये करने लगूं या कमाने के लिए जाऊं तो लेडीज इसमें बहुत अग्रणीय हो सकती हैं अगर उनको अवेयर किया जाए मैंने नजरगढ़ एरिया में मन्ना साहब जानते हैं थैंक यू पुष्कर बालाजी आपको सुनकर अच्छा लगेगा फर्स्ट हमको जो अनुदान मिला था सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 4,000 रुपया मिला था घाटशिला में अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए रूरल कंज्यूमर्स के लिए तो मेरा फर्स्ट अनुदान जो सरकारी तंत्र से हमको मिला था वो था 4,000 रुपया घाटशिला में एक प्रोग्राम हम किए थे फॉर रूरल कंज्यूमर्स तो वहां से सरकार के साथ हम जुड़े जबकि हम लोगों को मालूम नहीं होता था कि सरकार भी अनुदान देता है इस ढंग के कार्यक्रम करने के लिए तो पहले तो हमारा फर्स्ट 5-6 ईयर्स तो चला लोगों के हमारे दोस्तों के अनुदान से लेकिन सरकार भी देते रहते हैं जैसे अभी मैडम ने कही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जिला के पदाधिकारी के पास फंड होता है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए आप प्लीज उनको कॉन्टेक्ट कीजिए आपको जरूर मिलेगा यदि आपका संस्था रजिस्टर्ड है आपका एनुअल रिपोर्ट्स बनते हैं और आप रेगुलरली मीटिंग करते हो तो आपको अनुदान जरूर मिलेगा सरकारी तंत्र से भी थैंक यू थैंक यू और वेबिनार भी मिलता है और पीसीपीएनडीटी अवेयरनेस के लिए भी वेबिनार टुडे से जुड़े हुए हैं प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ वेबिनार टुडे से जुड़े हुए हैं रेज हैंड कर रहे हैं प्लीज कम ऑन फास्ट समय से पार कर रहे हैं हम लोग जी गुड आफ्टरनून टू यू दिस इज उमेश खन्ना हियर फ्रॉम बॉम्बे सुमेश खन्ना जी जी बिजॉन जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग I have been patiently listening to everybody as a matter of fact. And just now, I happened to also witness Neera Arora ji talking about the amount of funds which possibly are
given by reputed bodies, including the government as such, for raising awareness. The point out here is that there are various people and various organizations doing a lot of work in their own zone, as a matter of fact. However, this is slightly an unorganized sector, howsoever we may debate about it. I am giving an open opportunity out here. Now that I'm associated with a PR public relation group, as a matter of fact, I'm giving an opportunity for anybody and everybody who's an NGO out here and who has the funds to actually connect with me. And I would help them in terms of actually meeting out and reaching out to the media and public as such, in terms of gathering and gaining awareness. That's all I have to do from my side as a contribution. Thank you very much, Umesh. Thank you. Please share your phone number on the chat box so that, you know, Uday Manna ji can get in touch with you. I'm sending my email ID, as a matter of fact. You all can write to me, so it becomes easier for me to actually revert. Perfect. Back. Very good. Thank you, Sumesh Khanna ji. Next, last, Satish Panigrahi ji, aap last honge. और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स किया जाएगा. सुरजीत सिंह दीदेवार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं. सतीश जी, प्लीज वेलकम. नमस्कार सर जी. मैं उड़ीसा से हूं और हम लोग तो यहां पे एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं कंज्यूमर के. लेकिन जब से मिश्रा जी, बिजन मिश्रा सर जी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइजर के रूप में नियोजित हुए हैं, तब से एक चेंजेस आया हुआ है. एकदम से एक चेंजेस आया हुआ है. और यहाँ पे जो जितने भी कंज्यूमर एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उनको एक नेशनल फ्रंट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं. और ऐसा एक्टिविस्ट के बीच में और अंदर ऐसा एक डेवलप करवा रहे हैं, जैसे एक ही प्लेटफॉर्म में कंज्यूमर को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यू मस्ट टेल देम अबाउट द मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम यू अटेंडेड. यस एंड लेटेस्ट अभी लास्ट ईयर में हुआ हमारा मीडिएशन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक मैंडेटरी रूल्स है, उसके हिसाब से एक मीडिएशन ट्रेनिंग उड़ीसा में फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया वो कंप्लीट हुआ है 7 डेज का. और सर जी के ही रिकमेंडेशन और उनके ही क्या कहते हैं उनको मार्गदर्शन डायरेक्शन से वो डायरेक्शंस एग्जैक्टली आप नहीं होते तो शायद हम लोग ये पाना भी आज की तारीख में पहली बार इंडिया में पहली बार पाना भी मुश्किल हो जाता. इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला और आप जो अटेंड किए इससे उड़ीसा को बहुत फायदा होगा, जो आप अटेंड किए प्रोग्राम को. और आप कल एक बहुत वेल ट्रेन्ड मीडिएटर बनेंगे, ये हमारा आशा है. डॉक्टर एके मर्चेंट जी जुड़े हुए हैं. डॉक्टर एके मर्चेंट जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो थैंक यू. मत नॉकलिस्ट जी, डॉक्टर एके मर्चेंट जी, प्लास्टिक जी, वेलकम सर. वेलकम. आप लीड आपकी आवाज कट रही है. थैंक यू डॉक्टर एके मर्चेंट. थैंक यू. विनम्रता से आवाज नहीं आ रही है. हाँ बोलिए. अब आ रही है आवाज. अच्छा आ रही है. नहीं, बस मैं देर से जुड़ा, लेकिन अभी जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो आदान प्रदान हुआ उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि आज हमारी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की बैठक थी तो उसमें मुझे भाग लेना पड़ा. लेकिन मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे प्रोफेसर बिजेन जो का, कि जो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमें उपभोक्ता का जो दायित्व है, और सिर्फ 6% लोग अपने अपने जो कंप्लेंट्स होते हैं, वेरी सरप्राइजिंग 94% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टिल वेरी इग्नोरेंट अबाउट द राइट्स. प्रोफेसर विजयन जी,
is extremely credible and something that whole country has to appreciate. And I'm really thankful to Hamare Uday Manna ji for getting me used to be part of this RJS Parivar. I don't want to take much of your time, but extremely grateful to you, and we'll look forward to the innings of this session in English when we have it for our South Indian friends. Yes, yes. We'll do it, sir. Okay. Thank you, Dr. A.K. Merchant. Thank you. अब यहाँ पर सेशन को समाप्त करके और धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करेंगे. वोट ऑफ थैंक्स के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सुरजीत सिंह कोहली जी, जो आरजीएस सूचना केंद्र पटेल नगर दिल्ली के प्रभारी हैं. और सभी लोग, तमाम लोग जो जुड़े हैं, उनका मैं आरजीएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना धन्यवाद करता हूँ, और सुरजीत सिंह कोहली को विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के सेशन पे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए. सुरजीत सिंह कोहली जी, धन्यवाद. धन्यवाद मन्ना जी, आपने ये मुझे अवसर दिया है आज उस व्यक्ति विशेष के वोट ऑफ थैंक्स के अंदर जिनका नाम प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी है. डॉक्टर एडवोकेट सुदीप साहू जी ने उनके बारे में शुरू में आरंभिक समय में ही उनके बारे में कुछ बताया जीवनी के अंदर, मगर जब बिजॉन मिश्रा जी ने अपने एक्सपीरियंस बताए और कैसे आए, वो प्राकृतिक नियम के अंदर रेनबो जैसे सात रंग है, सात लोगों ने मिलकर इसका शुरुआत करी 1980 के अंदर, तो रंग जो है वो सात रंग कितना रेनबो की तरफ फैल रहा है आज 2022 के अंदर हम सब देख रहे हैं. सो ये प्रकृति का नियम भी काम कर रहा है. उनके अनुभव और उनके साथ जुड़े हुए कितने लोगों के अनुभव जो हम सब ने सुने हैं वो अभिव्यक्ति करना बहुत मुश्किल है, मगर हमने जो अंदर महसूस करा है प्रेरणा स्रोत मिलने वाला है वो होना चाहिए. सभी ने एक ही बात करी है, कंज्यूमर राइट क्या है, मगर मैं ये कह सकता हूं कंज्यूमर राइट के अंदर कंज्यूमर दायित्व क्या है. बिजॉन शर्मा जी के मिश्रा जी की जीवनी से हम लें, उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, चाहे वो सरकारी में रहे या उन्होंने अपना काम करा और आज भी दायित्व निभा रहे हैं. और इस दायित्व के अंदर हम ये मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का अभाव है. 140 करोड़ जनता के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो शिक्षित हैं, और उसमें परसेंटेज नील के बराबर है जो सरकारी अदारे के अंदर काम करते हैं, और सारा का सारा हमारा जितना भी कानूनी है वो उनके अधिकार के अंदर. So, वो जो हर व्यक्ति विशेष बिजॉन मिश्रा जी के लाइफ के अंदर से लेकर, चाहे वो एक एडवोकेट सब मिले हैं जो वैसे ही सर्विस होती है, जो भी किसी भी है वो भी कंज्यूमर सक्सेस के, हम ये समझते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर राइट है वो वही समाप्त हो जाता है क्योंकि कुछ लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं तो सभी को मिल जाता है. हमारे यहाँ पर वादा किया जाता है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो सीए है, चाहे वो डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेशनल है, वो अपना दायित्व निभाए कि मैंने अपने कंज्यूमर को क्या क्या देना है. मैंने प्रोडक्ट के लिए तो राइट मिल गया, मगर मेरे को सर्विसेज वाले को राइट, मेरे को क्या है ये अभी तक अधिकार हमें नहीं मिला है. अगर हमें उसका अधिकार मिल जाए, और कुछ ही लोगों का दायित्व बनता है सर्विसेज देने के लिए, चाहे वो राजनीति का हो, वादा कर दिया गया जनता से और 140 करोड़ उस वादे से कंज्यूमर बन जाते हैं, और उन कंज्यूमर को अंदर अगर हमारा उन पे क्या राइट है कि वो अपने वादे से पूरा नहीं कर पाए, अगर हम ये कर लें. और दूसरी बात, हर व्यक्ति विशेष एक चीज का दायित्व निभा ले, वो कंज्यूमर तो 10 20 50 100 चीजों का होगा, मगर वो एक ही चीज का मैन्युफैक्चरर हो सकता है. कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जूता बेच रहा है, कोई खाने का सामान बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेच रहा है, और कोई ऑटो पार्ट्स बेच रहा है. वो अगर अपना दायित्व निभा दे कि मेरा जो अपना दायित्व है, मैं सही प्रोडक्ट दूंगा
अपने कस्टमर को, और उसके बदले में उसे 100 सही प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हर व्यक्ति विशेष जैसे अभी बिजोन जी ने कहा कि अपने स्वयं से शुरुआत करें, तो हम स्वयं का स्वामी बनकर स्वयं से स्वीकार करें और जो भी जिस सर्विसेज में अंदर है या किसी प्रकार का दुकानदार है वो स्वयं से ईमानदारी से प्रॉमिस कर ले कि मैं किसको भी कस्टमर जो भी मेरे पास है मैं अपना ईमानदारी से पूरा करूंगा, और जो मैन्युफैक्चरर से वो माल ले रहा है उस मैन्युफैक्चरर को अपने तौर से अगर कंप्लेंट करेगा और हर व्यक्ति विशेष अपना दायित्व निभा ले तो ये कंज्यूमर की बात जो है हमारे को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि जितना बाकी चीजों का लोगों को बताया जाता है कंज्यूमर के राइट भी बार बार एड के थ्रू आना चाहिए। और जैसे मीडिया की बात करी गई है, आज तो 1980 के अंदर तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना नहीं करा था, पर आज तो हर व्यक्ति विशेष ही मीडिया बन गया है। हम अपना सकारात्मक विचार अगर मीडिया के माध्यम से देते रहेंगे तो जो सरकार का काम है हम अपना दायित्व पर व्यक्ति निभाए। और इसके साथ साथ मैं जहां पर सभी को कहता हूं, मगर हमारे को प्रकृति ने जो हमारे को दिया हुआ है जल वायु अग्नि और आहार, हमने इसको कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? अगर जो सरकार सृष्टि ने हमें प्रोवाइड करा है क्या हम उसका दायित्व निभा रहे हैं? मैं अधिकार के स्थान पर दायित्व की बात कर रहा हूं, अगर मैं दायित्व निभा देता हूं तो अधिकार मुझे स्वयं मिल जाते हैं। मैंने जल को प्रदूषण कर लिया, हवा को प्रदूषित कर लिया, अपनी उन्नति की तेज रास्ता में अब सुख सुविधाओं को तेजी से बढ़ने में अगर मैं अपने उसको देखूंगा और जेनेटिक जो है आहार जो है जो सही माने के अंदर केमिकल के बगैर दूंगा तो कई बीमारियों से दूर हो जाऊंगा। सो मैं ये निश्चित रूप से अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहता हूं और सभी से ये कह सकता हूं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को अपने विचार को इतना कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दायित्व निभाना है। जिस प्रकार घर का एक मुखिया बनता है वो दायित्व निभाता है, महिला घर का दायित्व निभाती है, पिता घर का दायित्व निभाता है और घर के दूसरे बच्चे अपना अपना दायित्व निभाते हैं, अपना शिक्षा भी ग्रहण करते हैं अधिकार के रूप में और अपने घर के प्रति दायित्व निभाते हैं। अगर हम यहाँ पर आरजीएस टीम के साथ ये मानते हैं कि विश्व एक घर बन गया है और भारत एक परिवार है, तो हम जिस परिवार के सदस्य हैं हम सभी जब तक अपना दायित्व नहीं निभाएंगे ये दायित्व जो हमें दूसरा अधिकार मिल रहा है वो निश्चित रूप से 6% ही रहा है, और जबकि ये 60 या 100% होना चाहिए। उसके अंदर सभी हमें अपने आप को सजग और सचेत रहेंगे और अपने अपने दायित्व को निभाते हुए अधिकार मिलेंगे। जो भी काम जो भी अपना दायित्व निभाते है अधिकार उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है और मानव समाज का भी नियम है। हम देखते हैं घरों में या दफ्तरों में जो भी अपना दायित्व निभाता है उसे काम भी ज्यादा मिलता है, उसकी तरक्की भी होती है। हो सकता है कि उसकी उम्मीद से थोड़ा सा कम हो जाए या उम्मीद से थोड़ा समय के बाद मिले, पर ऐसा नहीं हुआ कि उसको उसका अधिकार नहीं मिला या उसको उसका परिणाम नहीं मिला, समाज उसका करता है। और हमारे देश के अंदर जैसे उन्नति हो रही है वैसे प्रोग्रेस भी हो रही है। आज ई कॉमर्स हो गया है, ई मीडिया हो गया है, और हम दूसरी तरफ से देखें अनऑर्गेनाइज्ड वे, चाहे वो कोरियर सर्विसेज है, होम डिलीवरी है, उसके अंदर देखें कि बहुत सजगता से काम हो रहा है, क्योंकि जो अनर है वो देखता है कि अगर मैंने गलत दिया तो इसकी नौकरी को भी चला जाएगा और मेरे को प्रोडक्ट भी होगा, कंपटीशन के अंदर होता है। तो जो भी व्यक्ति विशेष अभी 2-4 ई कॉमर्स के ऊपर नाम लिया गया है उनमें कई कमियां भी हो सकती हैं, मगर अधिकार जो है उसी ने जिसने अपने अधिकार को अपने दायित्व को निभाता हुआ अपने एम्प्लॉयज को या करना हुआ है। बड़े बड़े मॉल के अंदर भी देखते हैं तो सर्विसेज बहुत अच्छी मिल रही है। अगर हम इस पे भी देखें सिर्फ कमियां में देखें, समाज के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वे भी कितना ऑर्गेनाइज वे से सही कर रहा है। आज जैसे टैक्सीज है, ओलाज है, वो भी तो कितनी अच्छी सर्विसेज दे रही है। सारे अपने अपने कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देंगे तो प्रगति भी होती है और अधिकार भी उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मिलता है और उनकी आमदनी बनती है। अगर हम इस से भी देखेंगे तो अपने दायित्व को निभाने का काम करें और दायित्व निभाने से अधिकार प्राप्त होता ही है। यह प्रकृति का नियम भी है और परिवार का नियम भी है और समाज का नियम है। इन सब के साथ मैं रहते हुए बहुत समय हो गया, ज्यादा समय ना लेता हुआ हर एक का जो जुड़े हैं, दी माथुर जी हैं, पुष्पा वाला जी हैं और अनेक जो बिजोन मिश्रा जी के संपर्क में रहे हैं, चाहे विदेश में रहे हैं या देश में रहे हैं, हर एक ने अपना अपना 1 या 2 मिनट बताया है। और सबसे बड़ी बात,
अगर हमें जॉन मिश्रा जी का सत्कार करना है, आभार व्यक्त करना है, तो उनसे ये प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपने दायित्व निभाने करें तो उनके प्रति आदर सम्मान होगा। और जहां पर ये सब ने करा है वहां पर हमारे आरजे अश्विन के जो मन्ना जी हैं उनके प्रति भी मैं आभार और उनको भी स्वागत करते हुए उनको भी शुभकामनाएं करता हूं। और जितना भी हमारा ये परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इसके अंदर एक सबसे बड़ा कारण है कि जो जुड़ रहा है वो अपने अधिकार के लिए नहीं अपने दायित्व को निभाने में जुड़ रहा है। ये हमारा जो सबसे सशक्तता जो हमारा है बल है इसको बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे ये 2022 आरंभ हुआ है ये 2022 के खत्म होते साथ ही हम इसको कई गुना बढ़ाएंगे अगर हम सभी अपने अपने आप से प्रॉमिस करके अपने दायित्व को निभाएं। और अब जो भी अधिकार जो भी जिसको नॉलेज मिली है किसी भी करने ना कि कंज्यूमर के अंदर और चीजों में तो अपनी तरफ से मीडिया का बनके अपने YouTube के अंदर अपनी तरफ से मैसेज दें। मीडिया अगर जो नहीं बता रहा या मीडिया तक मेरी बात नहीं पहुंची तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बात करें। ये दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर भी हम ऐसा कार्य कर रहे हैं और जैसे जैसे जुड़ रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। इस सब के साथ मैं हर व्यक्ति विशेष को जो भी इस संबंध में पिछले 2.5-3 घंटे से जुड़े हुए हैं बड़े प्रेरणा स्रोत सुन रहे हैं और अपने अपने अनुभव दे रहे हैं उन सबका आभार भी प्रकट करता हूँ और आरजीएस फैमिली की तरफ से उनको धन्यवाद भी देता हूँ और निमंत्रण भी करता हूँ कि आप ऐसे ही रेगुलर जुड़ा रहें और अपने अपने अनुभव करें। जैसे आज बिजोन मिश्रा जी का स्पेशल प्रोग्राम है उनके अनुभव से करा है वैसे और दूसरे लोगों भी जो हमारे जैस के परिवार के अंदर जुड़े हैं उनके बारे में भी अलग अलग विषयों के ऊपर हम उनके भी अनुभव दें और जिससे ये समाज जो है एक गुलदस्ते के रूप के अंदर अलग अलग फूलों की तरह महक करके एक बागबान बन जाए ऐसा मेरा आशा भी है उद्देश्य भी है और मुझे पूरी तरह से आभास है कि हम इसमें अवश्य कामयाबी पाएंगे। और अपनी तरफ से मैं सबको एक बार फिर शुभकामनाएं कर देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बिजन मिश्रा जी का स्पेशल तौर पे और उदय मन्ना जी का और इसके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति विशेष का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए आप सबको एक निवेदन करता हूं कि रेगुलर इससे जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें और जिससे हम सभी अपने आप को कामयाबी के अंदर अपना लाभान्वित होंगे मगर जगत को भी लाभान्वित करने में अपना सहयोग दें सहयोग दें सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सुरजीत सिंह जी। Can we have a group photograph, please? Yes. Show your video, everybody. Please open your camera. We'll have a group photograph. All are seen. तो सब लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। जुगल जी, स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। नयनन कोशी जी, दीप माथुर जी, जुगल जी, दीप माथुर जी, ओके डन। थैंक यू आप सभी लोगों को। थैंक यू आपको भी प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी। और कुछ चीजों को नोट कर लिया गया है और उन चीजों पर हम लोग आगे अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। और राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, आज के वेबिनार में ऐतिहासिक जो देखा गया है कि 95 लोग जो है इस वेबिनार का से लाभान्वित हुए हैं और ये निश्चित रूप से प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे। और छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने अपने जीवन में आचरण में लाने की जरूरत है, दरअसल इसकी बहुत आवश्यकता है। और तमाम लोग जो 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 यहाँ से चीजें ले गए हैं उसको समाज में और 6% को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। एक और जो डिसीजन लिया गया है कि रेयर डिजीजेस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगला वेबिनार भी बहुत जल्द आपके समीप आएगा जो अंग्रेजी में होगा अपने साउथ इंडिया के फ्रेंड्स के लिए, ये भी घोषणा आज कर दी जाती है। साथ ही हर रविवार आरजीएस वेबिनार के अंतर्गत अगले रविवार को आरजीएस का राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम होगा। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोगों का अर्धवार्षिक के रूप में गणतंत्र दिवस पर होता है, वो 23 जनवरी को होगा, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। उसके बाद हम लोग 30 जनवरी को करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मन्ना जी जन्मदिन मुबारक हो आपको, अब बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। 17 जनवरी, 17 जनवरी, 17 जनवरी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आप सबों को भी बधाई हो, इसी तरह से ऊर्जावान रहिए और हम लोगों को ऊर्जा देते रहिए। और बिजोन मिश्रा जी का जिस तरह से अभी सुरजीत सिंह दिदेवार जी जो आरजे सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे बिजोन मिश्रा जी का कार्यक्रम किया गया, और भी तमाम लोग हम लोगों के बीच में हैं, तो हम लोगों ने को ऑर्गेनाइजर के रूप में सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आजादी की अमृत गाथा ये ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत में हम लोग सबसे ज्यादा जन भागीदारी कर रहे हैं। हर रविवार आरजेएस वेबिनार, बहुत एनर्जी लगती है इन सब कार्यक्रमों में। और देश को जगाने के लिए जो दायित्व के बारे में सुरजीत सिंह जी ने कहा, उस दायित्व का हम लोग मात्र एक निर्वाह करने वाले हैं। सभी लोगों को इसमें शामिल होना और उन बातों को समाज में फैलाना, ये सभी लोगों का दायित्व है। ये राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, नॉट बट लिस्ट। हम लोग अगले रविवार को फिर मिलेंगे और उपभोक्ता के अधिकारों पे और प्रश्नोत्तरी का लंबा सा कार्यक्रम जो है वो अगले महीने हम लोग करेंगे, जिसमें प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर से आए, क्योंकि आरजेएस फैमिली के पास सवालात बहुत हैं और उनके समस्याएं बहुत हैं और उनका समाधान करने के लिए सिर्फ एक सेशन जो है वो काफी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बातचीत करेंगे हम लोग। और अब हम 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन, देशभक्ति से ओतप्रोत 23 जनवरी नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन 98 साल के जो नेताजी के आजाद हिंद फौज के सिपाही डॉक्टर बी एन पांडे जी हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है, और जिंदा शहीद एम एस बिट्टा जी को आमंत्रित किया जा रहा है, और अशफाक उल्ला जी के जो ग्रैंड सन है उनका भी नाम है अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान जी आ रहे हैं, और शहीद भगत सिंह जी के जो भांजे हैं जिन्होंने एक लाइब्रेरी बनाया है जालंधर में, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, वो भी साथ में रहेंगे, क्रांतिवीर जी रहेंगे, तमाम इन शहीदों के वंशजों के साथ जो है एक इंटरेक्शन होगा, और संभवतः वो भी वेबिनार राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ अब सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक और जन्मदिन की बधाई जिन लोगों ने भी यहाँ पे शेयर किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारे जन्मदिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और बिजोन मिश्रा जी का स्पेशली हम थैंक्स हैं कि बिंदेश्वर पाठक जी का जो रिकॉर्ड बना था 85 लोगों को, वो क्रॉस कर गया है आज प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी के सेशन में, 95 लोग लगभग जुड़े हैं। 10 बजे से ये सेशन चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं जो लोग लेट से जुड़े हैं उनको बताना जरूरी है कि हम लोग दर्जन भर स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों पर एक हफ्ते तक काम करते हैं और उनकी जगह जगह से आई हुई पॉजिटिव स्पीकर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। तमाम जो स्वतंत्रता सेनानियों की जयंतियां और पुण्यतिथि होती है उनको हम लोग एक हफ्ते के अंदर क्लब करते हैं। लेकिन अब हम लोगों का इस साल शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम ये अभियान चल रहा है, तो अगले 23 तारीख को 11 बजे से स्वतंत्रता सेनानियों वगैरह की बात होगी, 10 बजे से 11 बजे हम लोग आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर्स जो हैं उनके साथ उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं, उनको क्या और जानकारी चाहिए, किस तरह के फीडबैक चाहिए, और वो सारा चीज हम लोग उनको देंगे और उनसे इंटरेक्शन करेंगे 10 से 11, और 11 बजे से राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का कार्यक्रम परिचर्चा शुरू हो जाएगी, देश की चर्चा, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। ये एनुअल प्रोग्राम होता है 6.5 साल से, ये सकारात्मक भारत आंदोलन सकारात्मक विषयों को सकारात्मक पत्रकारिता के द्वारा भारत निर्माण की एक छोटी सी कोशिश है, जिसमें आप सब लोगों ने आज का समय, बहुमूल्य समय देश के लिए दिया। प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट के रूप में, जिस तरह से अमेरिका में कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ था, तो भारत में जिस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट को जन जन तक ले जाने का काम प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वाकई सराहनीय है, और आरजेएस फैमिली गौरवान्वित है। आपको आरजेएस के एडवाइजर को हम लोग काफी नमन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया आज के दिन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।